दोस्तों, आप लोगों ने मूवीज तो बहुत सारी देखी होगी, पर आज मैं आपको ऐसी एक कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बताऊंगा जो शायद आपको एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं कराएंगी। अब तो ये मूवी हिंदी भाषा में भी रिलीज हो चुकी है, तो ये मूवी कहाँ पर आप इसे देख सकते हैं हिंदी में, क्या इस मूवी की स्टोरी है, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि आपको इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी एक कमाल की जो मूवी है इसे एंजॉय कर सके। दोस्तों, मूवी बहुत ही शानदार बनाई गई है और इस मूवी से आपको दोस्तों ज़रूर एंटरटेनमेंट मिलने वाला है। कमाल की बात तो ये है कि जो पुष्पा मूवी को डायरेक्ट किए थे उन्होंने इस मूवी की कहानी लिखी हुई है। तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं कि क्या इस मूवी की स्टोरी है और क्या कहाँ पर ये देखने को मिलेंगी। तो मूवी के बारे में बात करें तो विरूपक्षा इसे 2023 में रिलीज किया गया था। कहे तो ये एक हॉरर मूवी है जिसकी हिंदी डबिंग गोल्डमैन ने करवाई है। अगर आप लोग जो है वो हॉरर मूवीज़ को देखते हैं तो डेफिनेटली इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले है, डायलॉग है, वो सब कुछ बढ़िया है जो आपको पसंद ज़रूर आएगा। इस मूवी को प्रोड्यूस किया हुआ था श्री वेंकट सुब्रवासी ने, चित्रा और सुकुमार राइटिंग्स ने। इसके अलावा ये जो मूवी थी वो तेलुगु भाषा में रिलीज हुई थी, जहां पर इसे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला और एक बहुत ही बड़ी ये ब्लॉकबस्टर मूवी बन गई। शायद रम तेज ने कमबैक किया है, हालांकि उनकी बैक टू बैक बहुत सारी मूवीज फ्लॉप गई, पर यह जो मूवी आई इन्होंने बॉक्स ऑफिस पे 100 करोड़ का कारोबार कर दिखाया। मतलब कि अब उनका कमबैक हो चुका है और आने वाले समय में हम एक से बढ़कर एक मूवी ऐसी देखने को मिल सकती है। तो ये मूवी जो है 2 घंटे 26 मिनट की है, इसे ये सेंसर किया गया है, तो आप इसे फैमिली के साथ तो नहीं देख सकते क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे सीन देखने को मिल सकते हैं जो कि कट हो गए। तो आप इसे इंजॉय तो कर सकते हैं, बट कुछ सीन ऐसे आ सकते हैं जिन्हें आपको कट करना पड़ेगा। पर मेरे हिसाब से आप इसे टीवी पे देखेंगे तो वो सारे सीन कट हो चुके होंगे। अगर इस मूवी के बारे में थोड़ी आगे चर्चा करें तो यहाँ पर जो लीड कास्ट है उसके अंदर संयुक्ता मेनन, साई धर्म तेज, रवि कृष्णा, कौशिक महाता, साई चंद, कमल कमराजू, सोनिया सिंह, सुनील श्यामला झांसी, अजय ब्रह्मा जी, राजीव कनकल्ला, महेश आचार्य, छत्रपति शेखर, राजशेखर अनिंगांगी, नवीन नैनी और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार शामिल है जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। मूवी की कहानी दोस्तों बहुत ही बढ़िया बनाई गई है और इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले है वो बहुत ही बढ़िया है जो कि सुकुमार ने दिया हुआ है। अगर आप इसे अभी देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पे यह मूवी अवेलेबल है। अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो इस मूवी का टेलीविजन प्रीमियर 15 अक्टूबर को होने वाला था। हो सकता है कि मेरा वीडियो आप तक पहुँचे तब तक ये मूवी टीवी पर भी आ चुकी हो, तो आप इसे 15 अक्टूबर से टीवी पे देख पाएंगे। जो गोल्ड माइन का टीवी चैनल है वहाँ पे ये रिलीज होने वाली है हिंदी भाषा में। जो IMDB है वहाँ पर 10 आउट ऑफ 7.3 की रेटिंग मिली है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे 5 में से 3 स्टार दिए है और जो रॉटन टोमेटो है इसे 90% लोगों ने लाइक किया है और जो गूगल यूजर है वहाँ पर भी 90% लोगों ने लाइक दिया है। इससे आप समझ सकते हैं कि इस मूवी में वाकई दम है और इस मूवी को एडिट किया हुआ है नवीन डोली ने, जो कि एक बहुत ही तगड़े एडिटर रहे हैं। इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ में काम भी किया हुआ है और बहुत सारी मूवीज़ वो एडिट भी कर चुके हैं। चलिए हम इस कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं कि इसके अंदर आपको क्या खास देखने को मिलेगा, क्या स्टोरी है कि इस मूवी का कलेक्शन इतना तगड़ा हो गया। हालांकि दोस्तों सभी लोगों की पसंद अलग अलग हो सकती है, हो सकता है ये मूवी आपको पसंद आए भी और ना भी। मैंने इस मूवी को बहुत ही पहले देखा था, मुझे ये मूवी दोस्तों पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी और मुझे उम्मीद है कि आपको भी यह फिल्म अच्छी लग सकती है। वैसे फिल्म शुरू होती है एक लव स्टोरी से। लड़का अपने गांव आया होता है और शहर से नज़र पड़ी एक सुंदर लड़की में, तो दोनों का दिल आपस में टकरा गया होता है। इस लव स्टोरी का विलन कोई इंसान नहीं बल्कि गांव का खुद बन जाता है। अचानक से गांव में होने वाली कुछ घटनाएं जो सबको हैरान कर देती है, अजीबोगरीब मौतें जिसमें किसी इंसान से ज़्यादा किसी शैतान का हार्ड लगता है। इस मौत में एक चीज़ कॉमन होती है कि मरने वाले की हालत इतनी बुरी है कि कोई भी इंसान उसे ढंग से देखने में कामयाब नहीं रहता है,
और कोई इतनी हिम्मत नहीं कर सकता है। और गांव की रक्षा कौन करता है? इस बीच में मौजूद सालों पुराना एक देवी देवता का मंदिर यहाँ का पुजारी बसने का एक रास्ता बताता है। पूरे गांव को लॉक कर दिया जाता है, ना कोई बाहर वाला अंदर आएगा और ना कोई अंदर वाला बाहर जाएगा। ये जो भी अभी वर्तमान में चल रहा होता है, डर का माहौल होता है, लोग वगैरह मर रहे होते हैं, गांव में कोई भूत वगैरह घुसाया होता है। अगर दोस्तों देखा जाए तो भूत प्रेत आत्मा ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है, साइंस इसका दावा नहीं करता है। ये सिर्फ कहानी में आपको देखने को मिलेगा, बल्कि आप अपनी आंखों से कभी देखेंगे नहीं। अगर आप में से बहुत लोग ऐसा कहेंगे कि हमने भूत देखा है तो वो आपका मन का वहम होगा, क्योंकि दोस्तों हमारा दिमाग इतना पावरफुल है कि हमने जो पुरानी स्टोरी सुनी है या फिर कोई आपको कहानी सुनाता है कि इस जगह पर ऐसा होता है, फिर कभी ना कभी आप उस जगह पर रात को गए होगे या फिर वहाँ से पास होगे तो आपको ऐसा ज़रूर फील होने लगेगा कि यहाँ पर सच में कोई मौजूद है, बल्कि ऐसा कुछ भी होता नहीं है। लेकिन अब चलते हैं इस गांव के पास्ट में। इस गांव में एक बड़ी कहानी मशहूर होती है। पहले गांव में एक पागल तांत्रिक रहता था जो अपने तंत्र वगैरह को पावरफुल बनाने के लिए छोटे बच्चों को बलि देता था। उसका बाद में क्या हुआ जो फिल्म देखकर आपको पता चलेगा। इस गांव के अंदर एक बहुत ही बड़ी रहस्यमय बात छुपी है जो आप इस मूवी को देखेंगे तो जानेंगे। मैं दोस्तों यहाँ इस मूवी की पूरी कहानी रिवील नहीं करना चाहता। आप इस कमाल की मूवी को गोल्ड मैन के टीवी चैनल पर जाकर देखिए। ये मूवी दोस्तों आपको वाकई ही पसंद ज़रूर आएंगी। दोस्तों आप लोगों ने मूवीज़ तो बहुत सारी देखी होगी, पर आज मैं आपको ऐसी एक कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बताऊंगा जो शायद आपको एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं कराएंगी। अब तो ये मूवी हिंदी भाषा में भी रिलीज हो चुकी है, तो ये मूवी कहाँ पर आप इसे देख सकते हैं हिंदी में, क्या इस मूवी की स्टोरी है, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि आपको इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी एक कमाल की जो मूवी है इसे एंजॉय कर सके। दोस्तों मूवी बहुत ही शानदार बनाई गई है और इस मूवी से आपको दोस्तों ज़रूर एंटरटेनमेंट मिलने वाला है। कमाल की बात तो ये है कि जो पुष्पा मूवी को डायरेक्ट किए थे उन्होंने इस मूवी की कहानी लिखी हुई है। तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं कि क्या इस मूवी की स्टोरी है और क्या कहाँ पर ये देखने को मिलेंगी। तो मूवी के बारे में बात करें तो विरूपाक्षा इसे 2023 में रिलीज़ किया गया था। कहे तो ये एक हॉरर मूवी है जिसकी हिंदी डबिंग गोल्ड मैन ने करवाई है। अगर आप लोग जो है वो हॉरर मूवीज़ को देखते हैं तो डेफिनेटली इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले है, डायलॉग है, वो सब कुछ बढ़िया है जो आपको पसंद ज़रूर आएगा। इस मूवी को प्रोड्यूस किया हुआ था श्री वेंकट सुवरवासी ने चित्रा और सुकुमार राइटिंग्स ने। इसके अलावा ये जो मूवी थी वो तेलुगु भाषा में रिलीज़ हुई थी, जहां पर इसे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला और एक बहुत ही बड़ी ये ब्लॉकबस्टर मूवी बन गई। शायद रम तेज ने कमबैक किया है, हालांकि उनकी बैक टू बैक बहुत सारी मूवीज़ फ्लॉप गई, पर यह जो मूवी आई इन्होंने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का कारोबार कर दिखाया, मतलब कि अब उनका कमबैक हो चुका है और आने वाले समय में हमें एक से बढ़कर एक मूवी ऐसी देखने को मिल सकती है। तो ये मूवी जो है 2 घंटे 26 मिनट की है, इसे ये सेंसर किया गया है, तो आप इसे फैमिली के साथ तो नहीं देख सकते क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे सीन देखने को मिल सकते हैं जो कि कट हो गए। तो आप इसे इंजॉय तो कर सकते हैं, बट कुछ सीन ऐसे आ सकते हैं जिन्हें आपको कट करना पड़ेगा, पर मेरे हिसाब से आप इसे टीवी पर देखेंगे तो वो सारे सीन कट हो चुके होंगे। अगर इस मूवी के बारे में थोड़ी आगे चर्चा करें तो यहाँ पर जो लीड कास्ट है उसके अंदर संयुक्ता मेनन, साई धर्म तेज, रवि कृष्णा, कौशिक महाता, साई चंद, कमल कमराजू, सोनिया सिंह, सुनील, श्यामला झांसी, अजय ब्रह्मा जी, राजीव कनकल्ला, महेश आचार्य, छत्रपति शेखर, राजशेखर अनिंगांगी, नवीन नैनी और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार शामिल है जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। मूवी की कहानी दोस्तों बहुत ही बढ़िया बनाई गई है और इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले है वो बहुत ही बढ़िया है जो कि सुकुमार ने दिया हुआ है। अगर आप इसे अभी देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पे यह मूवी अवेलेबल है। अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो इस मूवी का टेलीविजन प्रीमियर 15 अक्टूबर को होने वाला था। हो सकता है कि मेरा वीडियो आप तक पहुँचे तब तक ये मूवी टीवी पर भी आ चुकी हो, तो आप इसे 15 अक्टूबर से टीवी पे देख पाएंगे। जो गोल्ड मैन का टीवी चैनल है वहाँ पे ये रिलीज़ होने वाली है हिंदी भाषा में। जो IMDB है वहाँ पर 10 आउट ऑफ 7.3 की रेटिंग मिली है
द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे 5 में से 3 स्टार दिए है और जो रॉटन टोमेटो है इसे 90% लोगों ने लाइक किया है और जो गूगल यूजर है वहाँ पर भी 90% लोगों ने लाइक दिया है। इससे आप समझ सकते हैं कि इस मूवी में वाकई दम है और इस मूवी को एडिट किया हुआ है नवीन डोली ने जो कि एक बहुत ही तगड़े एडिटर रहे हैं। इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ में काम भी किया हुआ है और बहुत सारी मूवीज़ वो एडिट भी कर चुके हैं। चलिए हम इस कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं कि इसके अंदर आपको क्या खास देखने को मिलेगा, क्या स्टोरी है कि इस मूवी का कलेक्शन इतना तगड़ा हो गया। हालांकि दोस्तों सभी लोगों की पसंद अलग अलग हो सकती है, हो सकता है ये मूवी आपको पसंद आए भी और ना भी। मैंने इस मूवी को बहुत ही पहले देखा था, मुझे ये मूवी दोस्तों पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी और मुझे उम्मीद है कि आपको भी यह फिल्म अच्छी लग सकती है। वैसे फिल्म शुरू होती है एक लव स्टोरी से, लड़का अपने गांव आया होता है और शहर से नज़र पड़ी एक सुंदर लड़की में तो दोनों का दिल आपस में टकरा गया होता है। इस लव स्टोरी का विलन कोई इंसान नहीं बल्कि गांव का खुद बन जाता है। अचानक से गांव में होने वाली कुछ घटनाएं जो सबको हैरान कर देती है, अजीबोगरीब मौतें जिसमें किसी इंसान से ज़्यादा किसी शैतान का हार्ट लगता है। इस मौत में एक चीज़ कॉमन होती है कि मरने वाले की हालत इतनी बुरी है कि कोई भी इंसान उसे ढंग से देखने में कामयाब नहीं रहता है और कोई इतनी हिम्मत नहीं कर सकता है और गांव की रक्षा कौन करता है। इस बीच में मौजूद सालों पुराना एक देवी देवता का मंदिर यहाँ का पुजारी बसने का एक रास्ता बताता है। पूरे गांव को लॉक कर दिया जाता है, न कोई बाहर वाला अंदर आएगा और ना कोई अंदर वाला बाहर जाएगा। ये जो भी अभी वर्तमान में चल रहा होता है, डर का माहौल होता है, लोग वगैरह मर रहे होते हैं, गांव में कोई भूत वगैरह घुसाया होता है। अगर दोस्तों देखा जाए तो भूत प्रेत आत्मा ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है, साइंस इसका दावा नहीं करता है। ये सिर्फ कहानी में आपको देखने को मिलेगा बल्कि आप अपनी आंखों से कभी देखेंगे नहीं। अगर आप में से बहुत लोग ऐसा कहेंगे कि हमने भूत देखा है तो वो आपका मन का वहम होगा, क्योंकि दोस्तों हमारा दिमाग इतना पावरफुल है कि हमने जो पुरानी स्टोरी सुनी है या फिर कोई आपको कहानी सुनाता है कि इस जगह पर ऐसा होता है, फिर कभी ना कभी आप उस जगह पर रात को गए होगे या फिर वहाँ से पास होगे तो आपको ऐसा ज़रूर फील होने लगेगा कि यहाँ पर सच में कोई मौजूद है, बल्कि ऐसा कुछ भी होता नहीं है। लेकिन अब चलते हैं इस गांव के पास्ट में। इस गांव में एक बड़ी कहानी मशहूर होती है। पहले गांव में एक पागल तांत्रिक रहता था जो अपने तंत्र वगैरह को पावरफुल बनाने के लिए छोटे बच्चों को बलि देता था। उसका बाद में क्या हुआ जो फिल्म देखकर आपको पता चलेगा। इस गांव के अंदर एक बहुत ही बड़ी रहस्यमय बात छुपी है जो आप इस मूवी को देखेंगे तो जानेंगे। मैं दोस्तों यहाँ पर इस मूवी की पूरी कहानी रिवील नहीं करना चाहता, आप इस कमाल की मूवी को गोल्ड मैन के टीवी चैनल पर जाके देखिए। ये मूवी दोस्तों आपको वाकई ही पसंद ज़रूर आएंगी। दोस्तों आप लोगों ने मूवीज़ तो बहुत सारी देखी होगी पर आज मैं आपको ऐसी एक कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बताऊंगा जो शायद आपको एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं कराएंगी। अब तो ये मूवी हिंदी भाषा में भी रिलीज हो चुकी है तो ये मूवी कहाँ पर आप इसे देख सकते हैं हिंदी में, क्या इस मूवी की स्टोरी है, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि आपको इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी एक कमाल की जो मूवी है इसे एंजॉय कर सके। दोस्तों मूवी बहुत ही शानदार बनाई गई है और इस मूवी से आपको दोस्तों ज़रूर एंटरटेनमेंट मिलने वाला है। कमाल की बात तो ये है कि जो पुष्पा मूवी को डायरेक्ट किए थे उन्होंने इस मूवी की कहानी लिखी हुई है। तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं कि क्या इस मूवी की स्टोरी है और कहाँ पर ये देखने को मिलेंगी। तो मूवी के बारे में बात करें तो विरूपक्षा इसे 2023 में रिलीज़ किया गया था। कहे तो ये एक हॉरर मूवी है जिसकी हिंदी डबिंग गोल्ड मैन ने करवाई है। अगर आप लोग जो है वो हॉरर मूवीज़ को देखते हैं तो डेफिनेटली इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले है, डायलॉग है, वो सब कुछ बढ़िया है जो आपको पसंद ज़रूर आएगा। इस मूवी को प्रोड्यूस किया हुआ था श्री वेंकट सुवरवासी ने चित्रा और सुकुमार राइटिंग्स ने। इसके अलावा ये जो मूवी थी वो तेलुगु भाषा में रिलीज हुई थी जहां पर इसे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला और एक बहुत ही बड़ी ये ब्लॉकबस्टर मूवी बन गई। शायद रम तेज ने कमबैक किया है, हालांकि उनकी बैक टू बैक बहुत सारी मूवीज फ्लॉप गई पर यह जो मूवी आई इन्होंने बॉक्स ऑफिस पे 100 करोड़ का कारोबार कर दिखाया, मतलब कि अब उनका कमबैक हो चुका है और आने वाले समय में हम एक से बढ़कर एक मूवी ऐसी देखने को मिल सकती है। तो ये मूवी जो है 2 घंटे 26 मिनट की है, इसे ये सेंसर किया गया है
तो आप इसे फैमिली के साथ तो नहीं देख सकते क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे सीन देखने को मिल सकते हैं जो कि कट हो गए। तो आप इसे इंजॉय तो कर सकते हैं बट कुछ सीन ऐसे आ सकते हैं जिन्हें आपको कट करना पड़ेगा, पर मेरे हिसाब से आप इसे टीवी पे देखेंगे तो वो सारे सीन कट हो चुके होंगे। अगर इस मूवी के बारे में थोड़ी आगे चर्चा करें तो यहाँ पर जो लीड कास्ट है उसके अंदर संयुक्ता मैनन, साई धर्म तेज, रवि कृष्णा, कौशिक महाता, साई चंद, कमल कमराजू, सोनिया सिंह, सुनील, श्यामला झांसी, अजय ब्रह्मा जी, राजीव कनकल्ला, महेश आचार्य, छत्रपति शेखर, राजशेखर अनिंगांगी, नवीन नैनी और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार शामिल है जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। मूवी की कहानी दोस्तों बहुत ही बढ़िया बनाई गई है और इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले है बहुत ही बढ़िया है जो कि सुकुमार ने दिया हुआ है। अगर आप इसे अभी देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पे यह मूवी अवेलेबल है। अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो इस मूवी का टेलीविजन प्रीमियर 15 अक्टूबर को होने वाला था। हो सकता है कि मेरा वीडियो आप तक पहुंचे तब तक यह मूवी टीवी पर भी आ चुकी हो, तो आप इसे 15 अक्टूबर से टीवी पर देख पाएंगे। जो गोल्ड माइन का टीवी चैनल है वहाँ पर यह रिलीज होने वाली है हिंदी भाषा में। जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 7.3 की रेटिंग मिली है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे 5 में से 3 स्टार दिए हैं और जो रॉटन टोमेटो है इसे 90% लोगों ने लाइक किया है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी 90% लोगों ने लाइक दिया है। इससे आप समझ सकते हैं कि इस मूवी में वाकई दम है और इस मूवी को एडिट किया हुआ है नवीन डोली ने जो कि एक बहुत ही तगड़े एडिटर रहे हैं। इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ में काम भी किया हुआ है और बहुत सारी मूवीज़ वो एडिट भी कर चुके हैं। चलिए हम इस कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं कि इसके अंदर आपको क्या खास देखने को मिलेगा, क्या स्टोरी है कि इस मूवी का कलेक्शन इतना तगड़ा हो गया। हालांकि दोस्तों सभी लोगों की पसंद अलग अलग हो सकती है, हो सकता है ये मूवी आपको पसंद आए भी और ना भी। मैंने इस मूवी को बहुत ही पहले देखा था, मुझे ये मूवी दोस्तों पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी और मुझे उम्मीद है कि आपको भी यह फिल्म अच्छी लग सकती है। वैसे फिल्म शुरू होती है एक लव स्टोरी से। लड़का अपने गांव आया होता है और शहर से नज़र पड़ी एक सुंदर लड़की में तो दोनों का दिल आपस में टकरा गया होता है। इस लव स्टोरी का विलन कोई इंसान नहीं बल्कि गांव का खुद बन जाता है। अचानक से गाँव में होने वाली कुछ घटनाएँ जो सबको हैरान कर देती है, अजीबोगरीब मौतें जिसमें किसी इंसान से ज़्यादा किसी शैतान का हार लगता है। इस मौत में एक चीज़ कॉमन होती है कि मरने वाले की हालत इतनी बुरी है कि कोई भी इंसान उसे ढंग से देखने में कामयाब नहीं रहता है और कोई इतनी हिम्मत नहीं कर सकता है और गांव की रक्षा कौन करता है। इस बीच में मौजूद सालों पुराना एक देवी देवता का मंदिर यहां का पुजारी बसने का एक रास्ता बताता है। पूरे गाँव को लॉक कर दिया जाता है, न कोई बाहर वाला अंदर आएगा और ना कोई अंदर वाला बाहर जाएगा। ये जो भी अभी वर्तमान में चल रहा होता है, डर का माहौल होता है, लोग वगैरह मर रहे होते हैं, गांव में कोई भूत वगैरह घुसाया होता है। अगर दोस्तों देखा जाए तो भूत प्रेत आत्मा ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है, साइंस इसका दावा नहीं करता है। ये सिर्फ कहानी में आपको देखने को मिलेगा बल्कि आप अपनी आँखों से कभी देखेंगे नहीं। अगर आप में से बहुत लोग ऐसा कहेंगे कि हमने भूत देखा है तो वो आपका मन का वहम होगा क्योंकि दोस्तों हमारा दिमाग इतना पावरफुल है कि हमने जो पुरानी स्टोरी सुनी है या फिर कोई आपको कहानी सुनाता है कि इस जगह पर ऐसा होता है, फिर कभी ना कभी आप उस जगह पर रात को गए होगे या फिर वहाँ से पास होगे तो आपको ऐसा ज़रूर फील होने लगेगा कि यहाँ पर सच में कोई मौजूद है, बल्कि ऐसा कुछ भी होता नहीं है। लेकिन अब चलते हैं इस गाँव के पास्ट में। इस गाँव में एक बड़ी कहानी मशहूर होती है। पहले गांव में एक पागल तांत्रिक रहता था जो अपने तंत्र वगैरह को पावरफुल बनाने के लिए छोटे बच्चों को बलि देता था। उसका बाद में क्या हुआ जो फिल्म देखकर आपको पता चलेगा। इस गांव के अंदर एक बहुत ही बड़ी रहस्यमय बात छुपी है जो आप इस मूवी को देखेंगे तो जानेंगे। मैं दोस्तों यहां पर इस मूवी की पूरी कहानी रिवील नहीं करना चाहता। आप इस कमाल की मूवी को गोल्ड माइन की टीवी चैनल पर जाकर देखिए, ये मूवी दोस्तों आपको वाकई पसंद ज़रूर आएंगी। दोस्तों आप लोगों ने मूवीज़ तो बहुत सारी देखी होगी पर आज मैं आपको ऐसी एक कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बताऊंगा जो शायद आपको एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं कराएंगी। अब तो ये मूवी हिंदी भाषा में भी रिलीज हो चुकी है तो ये मूवी कहां पर आप इसे देख सकते हैं हिंदी में, क्या इस मूवी की स्टोरी है, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि आपको इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी एक कमाल की जो मूवी है
इसे एंजॉय कर सके। दोस्तों मूवी बहुत ही शानदार बनाई गई है और इस मूवी से आपको दोस्तों ज़रूर एंटरटेनमेंट मिलने वाला है। कमाल की बात तो ये है कि जो पुष्पा मूवी को डायरेक्ट किए थे उन्होंने इस मूवी की कहानी लिखी हुई है। तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं कि क्या इस मूवी की स्टोरी है और क्या कहाँ पर ये देखने को मिलेंगी। तो मूवी के बारे में बात करें तो विरूपाक्षा इसे 2023 में रिलीज़ किया गया था। कहे तो ये एक हॉरर मूवी है जिसकी हिंदी डबिंग गोल्डमैन ने करवाई है। अगर आप लोग जो है वो हॉरर मूवीज़ को देखते हैं तो डेफिनेटली इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले है, डायलॉग है, वो सब कुछ बढ़िया है जो आपको पसंद ज़रूर आएगा। इस मूवी को प्रोड्यूस किया हुआ था श्री वेंकट सुवरवासी ने, चित्रा और सुकुमार राइटिंग्स ने। इसके अलावा ये जो मूवी थी वो तेलुगु भाषा में रिलीज हुई थी, जहां पर इसे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला और एक बहुत ही बड़ी ये ब्लॉकबस्टर मूवी बन गई। शायद रम तेज ने कमबैक किया है, हालांकि उनकी बैक टू बैक बहुत सारी मूवीज़ फ्लॉप गई, पर यह जो मूवी आई इन्होंने बॉक्स ऑफिस पे 100 करोड़ का कारोबार कर दिखाया। मतलब कि अब उनका कमबैक हो चुका है और आने वाले समय में हम एक से बढ़कर एक मूवी ऐसी देखने को मिल सकती है। तो ये मूवी जो है 2 घंटे 26 मिनट की है, इसे ये सेंसर किया गया है, तो आप इसे फैमिली के साथ तो नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे सीन देखने को मिल सकते हैं जो कि कट हो गए। तो आप इसे इंजॉय तो कर सकते हैं, बट कुछ सीन ऐसे आ सकते हैं जिन्हें आपको कट करना पड़ेगा, पर मेरे हिसाब से आप इसे टीवी पे देखेंगे तो वो सारे सीन कट हो चुके होंगे। अगर इस मूवी के बारे में थोड़ी आगे चर्चा करें तो यहाँ पर जो लीड कास्ट है उसके अंदर संयुक्ता मेनन, साई धर्म तेज, रवि कृष्णा, कौशिक महाता, साई चंद, कमल कमराजू, सोनिया सिंह, सुनील श्यामला झांसी, अजय ब्रह्मा जी, राजीव कनकल्ला, महेश आचार्य, छत्रपति शेखर, राजशेखर अनिंगांगी, नवीन नैनी और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार शामिल है जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। मूवी की कहानी दोस्तों बहुत ही बढ़िया बनाई गई है और इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले है बहुत ही बढ़िया है, जो कि सुकुमार ने दिया हुआ है। अगर आप इसे अभी देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पे यह मूवी अवेलेबल है। अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो इस मूवी का टेलीविज़न प्रीमियर 15 अक्टूबर को होने वाला था। हो सकता है कि मेरा वीडियो आप तक पहुँचे तब तक यह मूवी टीवी पर भी आ चुकी हो, तो आप इसे 15 अक्टूबर से टीवी पर देख पाएंगे। जो गोल्ड माइन का टीवी चैनल है वहाँ पर ये रिलीज़ होने वाली है हिंदी भाषा में। जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 7.3 की रेटिंग मिली है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे 5 में से 3 स्टार दिए हैं और जो रॉटन टोमेटो है इसे 90% लोगों ने लाइक किया है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी 90% लोगों ने लाइक दिया है। इससे आप समझ सकते हैं कि इस मूवी में वाकई दम है और इस मूवी को एडिट किया हुआ है नवीन डोली ने, जो कि एक बहुत ही तगड़े एडिटर रहे हैं। इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ में काम भी किया हुआ है और बहुत सारी मूवीज़ वो एडिट भी कर चुके हैं। चलिए हम इस कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं कि इसके अंदर आपको क्या खास देखने को मिलेगा, क्या स्टोरी है कि इस मूवी का कलेक्शन इतना तगड़ा हो गया। हालांकि दोस्तों सभी लोगों की पसंद अलग अलग हो सकती है, हो सकता है ये मूवी आपको पसंद आए भी और ना भी। मैंने इस मूवी को बहुत ही पहले देखा था, मुझे ये मूवी दोस्तों पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी और मुझे उम्मीद है कि आपको भी यह फिल्म अच्छी लग सकती है। वैसे फिल्म शुरू होती है एक लव स्टोरी से। लड़का अपने गांव आया होता है और शहर से नज़र पड़ी एक सुंदर लड़की में, तो दोनों का दिल आपस में टकरा गया होता है। इस लव स्टोरी का विलन कोई इंसान नहीं बल्कि गाँव का खुद बन जाता है। अचानक से गांव में होने वाली कुछ घटनाएं जो सबको हैरान कर देती है, अजीबोगरीब मौतें जिसमें किसी इंसान से ज़्यादा किसी शैतान का हार्ट लगता है। इस मौत में एक चीज़ कॉमन होती है कि मरने वाले की हालत इतनी बुरी है कि कोई भी इंसान उसे ढंग से देखने में कामयाब नहीं रहता है और कोई इतनी हिम्मत नहीं कर सकता है, और गाँव की रक्षा कौन करता है। इस बीच में मौजूद सालों पुराना एक देवी देवता का मंदिर यहाँ का पुजारी बसने का एक रास्ता बताता है। पूरे गांव को लॉक कर दिया जाता है, ना कोई बाहर वाला अंदर आएगा और ना कोई अंदर वाला बाहर जाएगा। ये जो भी अभी वर्तमान में चल रहा होता है, डर का माहौल होता है, लोग वगैरह मर रहे होते हैं, गांव में कोई भूत वगैरह घुसाया होता है। अगर दोस्तों देखा जाए तो भूत प्रेत आत्मा ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है, साइंस इसका दावा नहीं करता है।
ये सिर्फ कहानी में आपको देखने को मिलेगा, बल्कि आप अपनी आंखों से कभी देखेंगे नहीं। अगर आप में से बहुत लोग ऐसा कहेंगे कि हमने भूत देखा है, तो वो आपका मन का वहम होगा, क्योंकि दोस्तों हमारा दिमाग इतना पावरफुल है कि हमने जो पुरानी स्टोरी सुनी है या फिर कोई आपको कहानी सुनाता है कि इस जगह पर ऐसा होता है, फिर कभी ना कभी आप उस जगह पर रात को गए होगे या फिर वहाँ से पास होगे, तो आपको ऐसा ज़रूर फील होने लगेगा कि यहाँ पर सच में कोई मौजूद है, बल्कि ऐसा कुछ भी होता नहीं है। लेकिन अब चलते हैं इस गांव के पास्ट में। इस गांव में एक बड़ी कहानी मशहूर होती है। पहले गांव में एक पागल तांत्रिक रहता था, जो अपने तंत्र वगैरह को पावरफुल बनाने के लिए छोटे बच्चों को बलि देता था। उसका बाद में क्या हुआ, जो फिल्म देखकर आपको पता चलेगा। इस गांव के अंदर एक बहुत ही बड़ी रहस्यमय बात छुपी है, जो आप इस मूवी को देखेंगे तो जानेंगे। मैं दोस्तों यहाँ पर इस मूवी की पूरी कहानी रिवील नहीं करना चाहता। आप इस कमाल की मूवी को गोल्ड मैन के टीवी चैनल पर जाके देखिए। ये मूवी दोस्तों आपको वाकई ही पसंद ज़रूर आएंगी। दोस्तों आप लोगों ने मूवीज़ तो बहुत सारी देखी होगी, पर आज मैं आपको ऐसी एक कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बताऊंगा, जो शायद आपको एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं कराएंगी। अब तो ये मूवी हिंदी भाषा में भी रिलीज हो चुकी है, तो ये मूवी कहाँ पर आप इसे देख सकते हैं हिंदी में, क्या इस मूवी की स्टोरी है, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा, ताकि आपको इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी एक कमाल की जो मूवी है इसे एंजॉय कर सके। दोस्तों मूवी बहुत ही शानदार बनाई गई है और इस मूवी से आपको दोस्तों ज़रूर एंटरटेनमेंट मिलने वाला है। कमाल की बात तो ये है कि जो पुष्पा मूवी को डायरेक्ट किए थे, उन्होंने इस मूवी की कहानी लिखी हुई है। तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं कि क्या इस मूवी की स्टोरी है और कहाँ कहाँ पर ये देखने को मिलेंगी। तो मूवी के बारे में बात करें तो विरूपक्षा इसे 2023 में रिलीज़ किया गया था। कहे तो ये एक हॉरर मूवी है जिसकी हिंदी डबिंग गोल्ड मैन ने करवाई है। अगर आप लोग जो है वो हॉरर मूवीज़ को देखते हैं, तो डेफिनेटली इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले है, डायलॉग है, वो सब कुछ बढ़िया है, जो आपको पसंद ज़रूर आएगा। इस मूवी को प्रोड्यूस किया हुआ था श्री वेंकट सुब्रवासी ने, चित्रा और सुकुमार राइटिंग्स ने। इसके अलावा ये जो मूवी थी वो तेलुगु भाषा में रिलीज़ हुई थी, जहां पर इसे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला और एक बहुत ही बड़ी ये ब्लॉकबस्टर मूवी बन गई। शायद रम तेज ने कमबैक किया है, हालांकि उनकी बैक टू बैक बहुत सारी मूवीज़ फ्लॉप गई, पर यह जो मूवी आई इन्होंने बॉक्स ऑफिस पे 100 करोड़ का कारोबार कर दिखाया। मतलब कि अब उनका कमबैक हो चुका है और आने वाले समय में हमें एक से बढ़कर एक मूवी ऐसी देखने को मिल सकती है। तो ये मूवी जो है 2 घंटे 26 मिनट की है, इसे ये सेंसर किया गया है, तो आप इसे फैमिली के साथ तो नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे सीन देखने को मिल सकते हैं जो कि कट हो गए। तो आप इसे इंजॉय तो कर सकते हैं, बट कुछ सीन ऐसे आ सकते हैं जिन्हें आपको कट करना पड़ेगा, पर मेरे हिसाब से आप इसे टीवी पर देखेंगे तो वो सारे सीन कट हो चुके होंगे। अगर इस मूवी के बारे में थोड़ी आगे चर्चा करें, तो यहाँ पर जो लीड कास्ट है उसके अंदर संयुक्ता मेनन, साई धर्म तेज, रवि कृष्णा, कौशिक महाता, साई चंद, कमल कमराजू, सोनिया सिंह, सुनील श्यामला झांसी, अजय ब्रह्मा जी, राजीव कनकल्ला, महेश आचार्य, छत्रपति शेखर, राजशेखर अनिंगांगी, नवीन नैनी और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार शामिल है जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। मूवी की कहानी दोस्तों बहुत ही बढ़िया बनाई गई है और इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले है वो बहुत ही बढ़िया है, जो कि सुकुमार ने दिया हुआ है। अगर आप इसे अभी देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पे यह मूवी अवेलेबल है। अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो इस मूवी का टेलीविज़न प्रीमियर 15 अक्टूबर को होने वाला था। हो सकता है कि मेरा वीडियो आप तक पहुँचे तब तक ये मूवी टीवी पर भी आ चुकी हो, तो आप इसे 15 अक्टूबर से टीवी पे देख पाएंगे, जो गोल्ड मैन का टीवी चैनल है वहाँ पे ये रिलीज़ होने वाली है हिंदी भाषा में। जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 7.3 की रेटिंग मिली है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे 5 में से 3 स्टार दिए है और जो रॉटन टोमेटो है इसे 90% लोगों ने लाइक किया है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी 90% लोगों ने लाइक दिया है। इससे आप समझ सकते हैं कि इस मूवी में वाकई दम है और इस मूवी को एडिट किया हुआ है नवीन डोली ने, जो कि एक बहुत ही तगड़े एडिटर रहे हैं। इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ में काम भी किया हुआ है और बहुत सारी मूवीज़ वो एडिट भी कर चुके हैं। चलिए हम इस कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं
कि इसके अंदर आपको क्या खास देखने को मिलेगा, क्या स्टोरी है कि इस मूवी का कलेक्शन इतना तगड़ा हो गया। हालांकि दोस्तों सभी लोगों की पसंद अलग अलग हो सकती है, हो सकता है ये मूवी आपको पसंद आए भी और ना भी। मैंने इस मूवी को बहुत ही पहले देखा था, मुझे ये मूवी दोस्तों पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी और मुझे उम्मीद है कि आपको भी यह फिल्म अच्छी लग सकती है। वैसे फिल्म शुरू होती है एक लव स्टोरी से, लड़का अपने गांव आया होता है और शहर से नज़र पड़ी एक सुंदर लड़की में, तो दोनों का दिल आपस में टकरा गया होता है। इस लव स्टोरी का विलन कोई इंसान नहीं बल्कि गांव का खुद बन जाता है। अचानक से गांव में होने वाली कुछ घटनाएं जो सबको हैरान कर देती है, अजीबोगरीब मौतें जिसमें किसी इंसान से ज़्यादा किसी शैतान का हार्ट लगता है। इस मौत में एक चीज़ कॉमन होती है कि मरने वाले की हालत इतनी बुरी है कि कोई भी इंसान उसे ढंग से देखने में कामयाब नहीं रहता है और कोई इतनी हिम्मत नहीं कर सकता है, और गांव की रक्षा कौन करता है। इस बीच में मौजूद सालों पुराना एक देवी देवता का मंदिर यहाँ का पुजारी बसने का एक रास्ता बताता है। पूरे गांव को लॉक कर दिया जाता है, ना कोई बाहर वाला अंदर आएगा और ना कोई अंदर वाला बाहर जाएगा। ये जो भी अभी वर्तमान में चल रहा होता है, डर का माहौल होता है, लोग वगैरह मर रहे होते हैं, गांव में कोई भूत वगैरह घुसाया होता है। अगर दोस्तों देखा जाए तो भूत प्रेत आत्मा ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है, साइंस इसका दावा नहीं करता है। ये सिर्फ कहानी में आपको देखने को मिलेगा बल्कि आप अपनी आंखों से कभी देखेंगे नहीं। अगर आप में से बहुत लोग ऐसा कहेंगे कि हमने भूत देखा है तो वो आपका मन का वहम होगा, क्योंकि दोस्तों हमारा दिमाग इतना पावरफुल है कि हमने जो पुरानी स्टोरी सुनी है या फिर कोई आपको कहानी सुनाता है कि इस जगह पर ऐसा होता है, फिर कभी ना कभी आप उस जगह पर रात को गए होगे या फिर वहाँ से पास होगे तो आपको ऐसा ज़रूर फील होने लगेगा कि यहाँ पर सच में कोई मौजूद है, बल्कि ऐसा कुछ भी होता नहीं है। लेकिन अब चलते हैं इस गांव के पास्ट में। इस गांव में एक बड़ी कहानी मशहूर होती है। पहले गांव में एक पागल तांत्रिक रहता था जो अपने तंत्र वगैरह को पावरफुल बनाने के लिए छोटे बच्चों को बलि देता था। उसका बाद में क्या हुआ जो फिल्म देखकर आपको पता चलेगा। इस गांव के अंदर एक बहुत ही बड़ी रहस्यमय बात छुपी है जो आप इस मूवी को देखेंगे तो जानेंगे। मैं दोस्तों यहाँ पर इस मूवी की पूरी कहानी रिवील नहीं करना चाहता, आप इस कमाल की मूवी को गोल्ड मैन के टीवी चैनल पर जाके देखिए। ये मूवी दोस्तों आपको वाकई ही पसंद ज़रूर आएंगी। दोस्तों आप लोगों ने मूवीज़ तो बहुत सारी देखी होगी, पर आज मैं आपको ऐसी एक कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बताऊंगा जो शायद आपको एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं कराएंगी। अब तो ये मूवी हिंदी भाषा में भी रिलीज हो चुकी है, तो ये मूवी कहाँ पर आप इसे देख सकते हैं हिंदी में, क्या इस मूवी की स्टोरी है, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि आपको इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी एक कमाल की जो मूवी है इसे एंजॉय कर सके। दोस्तों मूवी बहुत ही शानदार बनाई गई है और इस मूवी से आपको दोस्तों ज़रूर एंटरटेनमेंट मिलने वाला है। कमाल की बात तो ये है कि जो पुष्पा मूवी को डायरेक्ट किए थे उन्होंने इस मूवी की कहानी लिखी हुई है। तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं कि क्या इस मूवी की स्टोरी है और कहाँ पर ये देखने को मिलेंगी। तो मूवी के बारे में बात करें तो विरूपाक्षा इसे 2023 में रिलीज़ किया गया था। कहे तो ये एक हॉरर मूवी है जिसकी हिंदी डबिंग गोल्ड मैन ने करवाई है। अगर आप लोग जो है वो हॉरर मूवीज़ को देखते हैं तो डेफिनेटली इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले है, डायलॉग है, वो सब कुछ बढ़िया है जो आपको पसंद ज़रूर आएगा। इस मूवी को प्रोड्यूस किया हुआ था श्री वेंकट सुवरवासी ने चित्रा और सुकुमार राइटिंग्स ने। इसके अलावा ये जो मूवी थी वो तेलुगु भाषा में रिलीज़ हुई थी जहां पर इसे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला और एक बहुत ही बड़ी ये ब्लॉकबस्टर मूवी बन गई। शायद रम तेज ने कमबैक किया है, हालांकि उनकी बैक टू बैक बहुत सारी मूवीज फ्लॉप गई, पर यह जो मूवी आई इन्होंने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का कारोबार कर दिखाया, मतलब कि अब उनका कमबैक हो चुका है और आने वाले समय में हम एक से बढ़कर एक मूवी ऐसी देखने को मिल सकती है। तो ये मूवी जो है 2 घंटे 26 मिनट की है, इसे ये सेंसर किया गया है, तो आप इसे फैमिली के साथ तो नहीं देख सकते क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे सीन देखने को मिल सकते हैं जो कि कट हो गए। तो आप इसे इंजॉय तो कर सकते हैं बट कुछ सीन ऐसे आ सकते हैं जिन्हें आपको कट करना पड़ेगा, पर मेरे हिसाब से आप इसे टीवी पर देखेंगे तो वो सारे सीन कट हो चुके होंगे। अगर इस मूवी के बारे में थोड़ी आगे चर्चा करें तो यहाँ पर जो लीड कास्ट है उसके अंदर संयुक्ता मैनन, साई धर्म तेज, रवि कृष्णा, कौशिक महाता, साई चंद, कमल कमराजू, सोनिया सिंह, सुनील,
श्यामला झांसी, अजय ब्रह्मा जी, राजीव कनकल्ला, महेश आचार्य, छत्रपति शेखर, राजशेखर अनिंगांगी, नवीन नैनी और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार शामिल है जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। मूवी की कहानी दोस्तों बहुत ही बढ़िया बनाई गई है और इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले है वो बहुत ही बढ़िया है जो कि सुकुमार ने दिया हुआ है। अगर आप इसे अभी देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पे यह मूवी अवेलेबल है। अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो इस मूवी का टेलीविजन प्रीमियर 15 अक्टूबर को होने वाला था। हो सकता है कि मेरा वीडियो आप तक पहुंचे तब तक ये मूवी टीवी पर भी आ चुकी हो, तो आप इसे 15 अक्टूबर से टीवी पे देख पाएंगे। जो गोल्ड माइन का टीवी चैनल है वहाँ पे ये रिलीज़ होने वाली है हिंदी भाषा में। जो IMDB है वहाँ पर 10 आउट ऑफ 7.3 की रेटिंग मिली है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे 5 में से 3 स्टार दिए हैं और जो रॉटन टोमेटो है इसे 90% लोगों ने लाइक किया है और जो गूगल यूजर है वहाँ पर भी 90% लोगों ने लाइक दिया है। इससे आप समझ सकते हैं कि इस मूवी में वाकई दम है और इस मूवी को एडिट किया हुआ है नवीन डोली ने जो कि एक बहुत ही तगड़े एडिटर रहे हैं। इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ में काम भी किया हुआ है और बहुत सारी मूवीज़ वो एडिट भी कर चुके हैं। चलिए हम इस कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं कि इसके अंदर आपको क्या खास देखने को मिलेगा, क्या स्टोरी है कि इस मूवी का कलेक्शन इतना तगड़ा हो गया। हालांकि दोस्तों सभी लोगों की पसंद अलग अलग हो सकती है, हो सकता है ये मूवी आपको पसंद आए भी और ना भी। मैंने इस मूवी को बहुत ही पहले देखा था, मुझे ये मूवी दोस्तों पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी और मुझे उम्मीद है कि आपको भी यह फिल्म अच्छी लग सकती है। वैसे फिल्म शुरू होती है एक लव स्टोरी से। लड़का अपने गांव आया होता है और शहर से नज़र पड़ी एक सुंदर लड़की में तो दोनों का दिल आपस में टकरा गया होता है। इस लव स्टोरी का विलन कोई इंसान नहीं बल्कि गांव का खुद बन जाता है। अचानक से गांव में होने वाली कुछ घटनाएं जो सबको हैरान कर देती है, अजीबोगरीब मौतें जिसमें किसी इंसान से ज़्यादा किसी शैतान का हार्ट लगता है। इस मौत में एक चीज़ कॉमन होती है कि मरने वाले की हालत इतनी बुरी है कि कोई भी इंसान उसे ढंग से देखने में कामयाब नहीं रहता है और कोई इतनी हिम्मत नहीं कर सकता है और गांव की रक्षा कौन करता है। इस बीच में मौजूद सालों पुराना एक देवी देवता का मंदिर यहाँ का पुजारी बसने का एक रास्ता बताता है। पूरे गांव को लॉक कर दिया जाता है, ना कोई बाहर वाला अंदर आएगा और ना कोई अंदर वाला बाहर जाएगा। ये जो भी अभी वर्तमान में चल रहा होता है, डर का माहौल होता है, लोग वगैरह मर रहे होते हैं, गांव में कोई भूत वगैरह घुसाया होता है। अगर दोस्तों देखा जाए तो भूत प्रेत आत्मा ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है, साइंस इसका दावा नहीं करता है। ये सिर्फ कहानी में आपको देखने को मिलेगा बल्कि आप अपनी आंखों से कभी देखेंगे नहीं। अगर आप में से बहुत लोग ऐसा कहेंगे कि हमने भूत देखा है तो वो आपका मन का वहम होगा, क्योंकि दोस्तों हमारा दिमाग इतना पावरफुल है कि हमने जो पुरानी स्टोरी सुनी है या फिर कोई आपको कहानी सुनाता है कि इस जगह पर ऐसा होता है, फिर कभी ना कभी आप उस जगह पर रात को गए होगे या फिर वहाँ से पास होगे तो आपको ऐसा ज़रूर फील होने लगेगा कि यहाँ पर सच में कोई मौजूद है, बल्कि ऐसा कुछ भी होता नहीं है। लेकिन अब चलते हैं इस गांव के पास्ट में। इस गांव में एक बड़ी कहानी मशहूर होती है। पहले गांव में एक पागल तांत्रिक रहता था जो अपने तंत्र वगैरह को पावरफुल बनाने के लिए छोटे बच्चों को बलि देता था। उसका बाद में क्या हुआ जो फिल्म देखकर आपको पता चलेगा। इस गांव के अंदर एक बहुत ही बड़ी रहस्यमय बात छुपी है जो आप इस मूवी को देखेंगे तो जानेंगे। मैं दोस्तों यहाँ इस मूवी की पूरी कहानी रिवील नहीं करना चाहता। आप इस कमाल की मूवी को गोल्ड मैन के टीवी चैनल पर जाके देखिए, ये मूवी दोस्तों आपको वाकई ही पसंद ज़रूर आएंगी। दोस्तों आप लोगों ने मूवीज़ तो बहुत सारी देखी होगी पर आज मैं आपको ऐसी एक कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बताऊंगा जो शायद आपको एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं कराएंगी। अब तो ये मूवी हिंदी भाषा में भी रिलीज हो चुकी है, तो ये मूवी कहाँ पर आप इसे देख सकते हैं हिंदी में, क्या इस मूवी की स्टोरी है, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि आपको इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी एक कमाल की जो मूवी है इसे एंजॉय कर सके। दोस्तों मूवी बहुत ही शानदार बनाई गई है और इस मूवी से आपको दोस्तों ज़रूर एंटरटेनमेंट मिलने वाला है। कमाल की बात तो ये है कि जो पुष्पा मूवी को डायरेक्ट किए थे उन्होंने इस मूवी की कहानी लिखी हुई है। तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं कि क्या इस मूवी की स्टोरी है और क्या कहाँ पर ये देखने को मिलेंगी। तो मूवी के बारे में बात करें तो विरूपक्षा इसे 2023 में रिलीज़ किया गया था।
कहे तो ये एक हॉरर मूवी है जिसकी हिंदी डबिंग गोल्ड मैन ने करवाई है। अगर आप लोग जो है वो हॉरर मूवीज़ को देखते हैं तो डेफिनेटली इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले है, डायलॉग है, वो सब कुछ बढ़िया है, जो आपको पसंद ज़रूर आएगा। इस मूवी को प्रोड्यूस किया हुआ था श्री वेंकट सुब्रवासी ने चित्रा और सुकुमार राइटिंग्स ने। इसके अलावा ये जो मूवी थी वो तेलुगु भाषा में रिलीज़ हुई थी, जहां पर इसे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला और एक बहुत ही बड़ी ये ब्लॉकबस्टर मूवी बन गई। शायद रमतेज ने कमबैक किया है, हालांकि उनकी बैक टू बैक बहुत सारी मूवीज़ फ्लॉप गई, पर यह जो मूवी आई इन्होंने बॉक्स ऑफिस पे 100 करोड़ का कारोबार कर दिखाया, मतलब कि अब उनका कमबैक हो चुका है और आने वाले समय में हमें एक से बढ़कर एक मूवी ऐसी देखने को मिल सकती है। तो ये मूवी जो है 2 घंटे 26 मिनट की है, इसे ये सेंसर किया गया है, तो आप इसे फैमिली के साथ तो नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे सीन देखने को मिल सकते हैं जो कि कट हो गए। तो आप इसे इंजॉय तो कर सकते हैं, बट कुछ सीन ऐसे आ सकते हैं जिन्हें आपको कट करना पड़ेगा, पर मेरे हिसाब से आप इसे टीवी पे देखेंगे तो वो सारे सीन कट हो चुके होंगे। अगर इस मूवी के बारे में थोड़ी आगे चर्चा करें तो यहाँ पर जो लीड कास्ट है उसके अंदर संयुक्ता मेनन, साई धर्म तेज, रवि कृष्णा, कौशिक महाता, साई चंद, कमल कमराजू, सोनिया सिंह, सुनील श्यामला झांसी, अजय ब्रह्मा जी, राजीव कनकल्ला, महेश आचार्य, छत्रपति शेखर, राजशेखर अनिंगांगी, नवीन नैनी और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार शामिल है जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। मूवी की कहानी दोस्तों बहुत ही बढ़िया बनाई गई है और इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले है वो बहुत ही बढ़िया है, जो कि सुकुमार ने दिया हुआ है। अगर आप इसे अभी देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पे यह मूवी अवेलेबल है। अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो इस मूवी का टेलीविजन प्रीमियर 15 अक्टूबर को होने वाला था। हो सकता है कि मेरा वीडियो आप तक पहुँचे तब तक यह मूवी टीवी पर भी आ चुकी हो, तो आप इसे 15 अक्टूबर से टीवी पे देख पाएंगे। जो गोल्ड माइन का टीवी चैनल है वहाँ पे ये रिलीज़ होने वाली है हिंदी भाषा में। जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 7.3 की रेटिंग मिली है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे 5 में से 3 स्टार दिए हैं और जो रॉटन टोमेटो है इसे 90% लोगों ने लाइक किया है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी 90% लोगों ने लाइक दिया है। इससे आप समझ सकते हैं कि इस मूवी में वाकई दम है और इस मूवी को एडिट किया हुआ है नवीन डोली ने, जो कि एक बहुत ही तगड़े एडिटर रहे हैं। इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ में काम भी किया हुआ है और बहुत सारी मूवीज़ वो एडिट भी कर चुके हैं। चलिए हम इस कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं कि इसके अंदर आपको क्या खास देखने को मिलेगा, क्या स्टोरी है कि इस मूवी का कलेक्शन इतना तगड़ा हो गया। हालांकि दोस्तों सभी लोगों की पसंद अलग अलग हो सकती है, हो सकता है ये मूवी आपको पसंद आए भी और ना भी। मैंने इस मूवी को बहुत ही पहले देखा था, मुझे ये मूवी दोस्तों पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी और मुझे उम्मीद है कि आपको भी यह फिल्म अच्छी लग सकती है। वैसे फिल्म शुरू होती है एक लव स्टोरी से। लड़का अपने गांव आया होता है और शहर से नज़र पड़ी एक सुंदर लड़की में तो दोनों का दिल आपस में टकरा गया होता है। इस लव स्टोरी का विलन कोई इंसान नहीं बल्कि गाँव का खुद बन जाता है। अचानक से गांव में होने वाली कुछ घटनाएं जो सबको हैरान कर देती है, अजीबोगरीब मौतें जिसमें किसी इंसान से ज़्यादा किसी शैतान का हार्ट लगता है। इस मौत में एक चीज़ कॉमन होती है कि मरने वाले की हालत इतनी बुरी है कि कोई भी इंसान उसे ढंग से देखने में कामयाब नहीं रहता है और कोई इतनी हिम्मत नहीं कर सकता है और गाँव की रक्षा कौन करता है। इस बीच में मौजूद सालों पुराना एक देवी देवता का मंदिर यहाँ का पुजारी बसने का एक रास्ता बताता है। पूरे गांव को लॉक कर दिया जाता है, ना कोई बाहर वाला अंदर आएगा और ना कोई अंदर वाला बाहर जाएगा। ये जो भी अभी वर्तमान में चल रहा होता है, डर का माहौल होता है, लोग वगैरह मर रहे होते हैं, गांव में कोई भूत वगैरह घुसाया होता है। अगर दोस्तों देखा जाए तो भूत प्रेत आत्मा ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है, साइंस इसका दावा नहीं करता है। ये सिर्फ कहानी में आपको देखने को मिलेगा बल्कि आप अपनी आंखों से कभी देखेंगे नहीं। अगर आप में से बहुत लोग ऐसा कहेंगे कि हमने भूत देखा है तो वो आपका मन का वहम होगा, क्योंकि दोस्तों हमारा दिमाग इतना पावरफुल है कि हमने जो पुरानी स्टोरी सुनी है या फिर कोई आपको कहानी सुनाता है कि इस जगह पर ऐसा होता है, फिर कभी ना कभी आप उस जगह पर रात को गए होगे या फिर वहाँ से पास होगे तो आपको ऐसा ज़रूर फील होने लगेगा कि यहाँ पर सच में कोई मौजूद है, बल्कि ऐसा कुछ भी होता नहीं है। लेकिन अब चलते हैं इस
इस गांव के पास्ट में। इस गांव में एक बड़ी कहानी मशहूर होती है। पहले गांव में एक पागल तांत्रिक रहता था जो अपने तंत्र वगैरह को पावरफुल बनाने के लिए छोटे बच्चों को बलि देता था। उसका बाद में क्या हुआ जो फिल्म देखकर आपको पता चलेगा। इस गांव के अंदर एक बहुत ही बड़ी रहस्यमय बात छुपी है जो आप इस मूवी को देखेंगे तो जानेंगे। मैं दोस्तों यहाँ पर इस मूवी की पूरी कहानी रिवील नहीं करना चाहता। आप इस कमाल की मूवी को गोल्ड मैन के टीवी चैनल पर जाके देखिए। ये मूवी दोस्तों आपको वाकई ही पसंद जरूर आएंगी। दोस्तों आप लोगों ने मूवीज़ तो बहुत सारी देखी होगी पर आज मैं आपको ऐसी एक कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बताऊंगा जो शायद आपको एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं कराएंगी। अब तो ये मूवी हिंदी भाषा में भी रिलीज हो चुकी है तो ये मूवी कहाँ पर आप इसे देख सकते हैं हिंदी में, क्या इस मूवी की स्टोरी है, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि आपको इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी एक कमाल की जो मूवी है इसे एंजॉय कर सके। दोस्तों मूवी बहुत ही शानदार बनाई गई है और इस मूवी से आपको दोस्तों ज़रूर एंटरटेनमेंट मिलने वाला है। कमाल की बात तो ये है कि जो पुष्पा मूवी को डायरेक्ट किए थे उन्होंने इस मूवी की कहानी लिखी हुई है। तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं कि क्या इस मूवी की स्टोरी है और कहाँ कहाँ पर ये देखने को मिलेंगी। तो मूवी के बारे में बात करें तो विरूपक्षा इसे 2023 में रिलीज़ किया गया था। कहे तो ये एक हॉरर मूवी है जिसकी हिंदी डबिंग गोल्ड मैन ने करवाई है। अगर आप लोग जो है वो हॉरर मूवीज़ को देखते हैं तो डेफिनेटली इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले है, डायलॉग है, वो सब कुछ बढ़िया है जो आपको पसंद ज़रूर आएगा। इस मूवी को प्रोड्यूस किया हुआ था श्री वेंकट सुवरवासी ने चित्रा और सुकुमार राइटिंग्स ने। इसके अलावा ये जो मूवी थी वो तेलुगु भाषा में रिलीज हुई थी जहां पर इसे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला और एक बहुत ही बड़ी ये ब्लॉकबस्टर मूवी बन गई। शायद रम तेज ने कमबैक किया है, हालांकि उनकी बैक टू बैक बहुत सारी मूवीज फ्लॉप गई पर यह जो मूवी आई इन्होंने बॉक्स ऑफिस पे 100 करोड़ का कारोबार कर दिखाया। मतलब कि अब उनका कमबैक हो चुका है और आने वाले समय में हम एक से बढ़कर एक मूवी ऐसी देखने को मिल सकती है। तो ये मूवी जो है 2 घंटे 26 मिनट की है, इसे ये सेंसर किया गया है तो आप इसे फैमिली के साथ तो नहीं देख सकते क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे सीन देखने को मिल सकते हैं जो कि कट हो गए। तो आप इसे इंजॉय तो कर सकते हैं बट कुछ सीन ऐसे आ सकते हैं जिन्हें आपको कट करना पड़ेगा, पर मेरे हिसाब से आप इसे टीवी पे देखेंगे तो वो सारे सीन कट हो चुके होंगे। अगर इस मूवी के बारे में थोड़ी आगे चर्चा करें तो यहाँ पर जो लीड कास्ट है उसके अंदर संयुक्ता मेनन, साई धर्म तेज, रवि कृष्णा, कौशिक महाता, साई चंद, कमल कमराजू, सोनिया सिंह, सुनील श्यामला झांसी, अजय ब्रह्मा जी, राजीव कनकल्ला, महेश आचार्य, छत्रपति शेखर, राजशेखर अनिंगांगी, नवीन नैनी और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार शामिल है जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। मूवी की कहानी दोस्तों बहुत ही बढ़िया बनाई गई है और इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले है बहुत ही बढ़िया है जो कि सुकुमार ने दिया हुआ है। अगर आप इसे अभी देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पे यह मूवी अवेलेबल है। अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो इस मूवी का टेलीविजन प्रीमियर 15 अक्टूबर को होने वाला था। हो सकता है कि मेरा वीडियो आप तक पहुंचे तब तक यह मूवी टीवी पर भी आ चुकी हो, तो आप इसे 15 अक्टूबर से टीवी पर देख पाएंगे। जो गोल्ड मैन का टीवी चैनल है वहाँ पर यह रिलीज़ होने वाली है हिंदी भाषा में। जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 7.3 की रेटिंग मिली है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे 5 में से 3 स्टार दिए हैं और जो रॉटन टोमेटो है इसे 90% लोगों ने लाइक किया है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी 90% लोगों ने लाइक दिया है। इससे आप समझ सकते हैं कि इस मूवी में वाकई दम है और इस मूवी को एडिट किया हुआ है नवीन डोली ने जो कि एक बहुत ही तगड़े एडिटर रहे हैं। इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ में काम भी किया हुआ है और बहुत सारी मूवीज़ वो एडिट भी कर चुके हैं। चलिए हम इस कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं कि इसके अंदर आपको क्या खास देखने को मिलेगा, क्या स्टोरी है कि इस मूवी का कलेक्शन इतना तगड़ा हो गया। हालांकि दोस्तों सभी लोगों की पसंद अलग अलग हो सकती है, हो सकता है ये मूवी आपको पसंद आए भी और ना भी। मैंने इस मूवी को बहुत ही पहले देखा था, मुझे ये मूवी दोस्तों पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी और मुझे उम्मीद है कि आपको भी यह फिल्म अच्छी लग सकती है। वैसे फिल्म शुरू होती है एक लव स्टोरी से
लड़का अपने गांव आया होता है और शहर से नज़र पड़ी एक सुंदर लड़की में, तो दोनों का दिल आपस में टकरा गया होता है। इस लव स्टोरी का विलन कोई इंसान नहीं बल्कि गांव का खुद बन जाता है। अचानक से गांव में होने वाली कुछ घटनाएं जो सबको हैरान कर देती है, अजीबोगरीब मौतें जिसमें किसी इंसान से ज़्यादा किसी शैतान का हार्ट लगता है। इस मौत में एक चीज़ कॉमन होती है कि मरने वाले की हालत इतनी बुरी है कि कोई भी इंसान उसे ढंग से देखने में कामयाब नहीं रहता है और कोई इतनी हिम्मत नहीं कर सकता है, और गांव की रक्षा कौन करता है। इस बीच में मौजूद सालों पुराना एक देवी देवता का मंदिर यहां का पुजारी बसने का एक रास्ता बताता है। पूरे गांव को लॉक कर दिया जाता है, न कोई बाहर वाला अंदर आएगा और ना कोई अंदर वाला बाहर जाएगा। ये जो भी अभी वर्तमान में चल रहा होता है, डर का माहौल होता है, लोग वगैरह मर रहे होते हैं, गांव में कोई भूत वगैरह घुसाया होता है। अगर दोस्तों देखा जाए तो भूत प्रेत आत्मा ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है, साइंस इसका दावा नहीं करता है। ये सिर्फ कहानी में आपको देखने को मिलेगा बल्कि आप अपनी आंखों से कभी देखेंगे नहीं। अगर आप में से बहुत लोग ऐसा कहेंगे कि हमने भूत देखा है तो वो आपका मन का वहम होगा, क्योंकि दोस्तों हमारा दिमाग इतना पावरफुल है कि हमने जो पुरानी स्टोरी सुनी है या फिर कोई आपको कहानी सुनाता है कि इस जगह पर ऐसा होता है, फिर कभी ना कभी आप उस जगह पर रात को गए होगे या फिर वहाँ से पास होगे तो आपको ऐसा ज़रूर फील होने लगेगा कि यहाँ पर सच में कोई मौजूद है, बल्कि ऐसा कुछ भी होता नहीं है। लेकिन अब चलते हैं इस गांव के पास्ट में। इस गांव में एक बड़ी कहानी मशहूर होती है। पहले गांव में एक पागल तांत्रिक रहता था जो अपने तंत्र वगैरह को पावरफुल बनाने के लिए छोटे बच्चों को बलि देता था। उसका बाद में क्या हुआ जो फिल्म देखकर आपको पता चलेगा। इस गांव के अंदर एक बहुत ही बड़ी रहस्यमय बात छुपी है जो आप इस मूवी को देखेंगे तो जानेंगे। मैं दोस्तों यहाँ पर इस मूवी की पूरी कहानी रिवील नहीं करना चाहता। आप इस कमाल की मूवी को गोल्ड मैन की टीवी चैनल पर जाके देखिए। ये मूवी दोस्तों आपको वाकई ही पसंद ज़रूर आएंगी। दोस्तों आप लोगों ने मूवीज़ तो बहुत सारी देखी होगी, पर आज मैं आपको ऐसी एक कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बताऊंगा जो शायद आपको एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं कराएंगी। अब तो ये मूवी हिंदी भाषा में भी रिलीज हो चुकी है, तो ये मूवी कहाँ पर आप इसे देख सकते हैं हिंदी में, क्या इस मूवी की स्टोरी है, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि आपको इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी एक कमाल की जो मूवी है इसे एंजॉय कर सके। दोस्तों मूवी बहुत ही शानदार बनाई गई है और इस मूवी से आपको दोस्तों ज़रूर एंटरटेनमेंट मिलने वाला है। कमाल की बात तो ये है कि जो पुष्पा मूवी को डायरेक्ट किए थे उन्होंने इस मूवी की कहानी लिखी हुई है। तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं कि क्या इस मूवी की स्टोरी है और कहाँ पर ये देखने को मिलेंगी। तो मूवी के बारे में बात करें तो विरूपाक्षा इसे 2023 में रिलीज़ किया गया था। कहे तो ये एक हॉरर मूवी है जिसकी हिंदी डबिंग गोल्ड मैन ने करवाई है। अगर आप लोग जो है वो हॉरर मूवीज़ को देखते हैं तो डेफिनेटली इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले है, डायलॉग है, वो सब कुछ बढ़िया है जो आपको पसंद ज़रूर आएगा। इस मूवी को प्रोड्यूस किया हुआ था श्री वेंकट सुवरवासी ने, चित्रा और सुकुमार राइटिंग्स ने। इसके अलावा ये जो मूवी थी वो तेलुगु भाषा में रिलीज हुई थी, जहां पर इसे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला और एक बहुत ही बड़ी ये ब्लॉकबस्टर मूवी बन गई। शायद रम तेज ने कमबैक किया है, हालांकि उनकी बैक टू बैक बहुत सारी मूवीज़ फ्लॉप गई, पर यह जो मूवी आई इन्होंने बॉक्स ऑफिस पे 100 करोड़ का कारोबार कर दिखाया, मतलब कि अब उनका कमबैक हो चुका है और आने वाले समय में हमें एक से बढ़कर एक मूवी ऐसी देखने को मिल सकती है। तो ये मूवी जो है 2 घंटे 26 मिनट की है, इसे ये सेंसर किया गया है, तो आप इसे फैमिली के साथ तो नहीं देख सकते क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे सीन देखने को मिल सकते हैं जो कि कट हो गए। तो आप इसे इंजॉय तो कर सकते हैं बट कुछ सीन ऐसे आ सकते हैं जिन्हें आपको कट करना पड़ेगा, पर मेरे हिसाब से आप इसे टीवी पे देखेंगे तो वो सारे सीन कट हो चुके होंगे। अगर इस मूवी के बारे में थोड़ी आगे चर्चा करें तो यहाँ पर जो लीड कास्ट है उसके अंदर संयुक्ता मेनन, साई धर्म तेज, रवि कृष्णा, कौशिक महाता, साई चंद, कमल कमराजू, सोनिया सिंह, सुनील श्यामला झांसी, अजय ब्रह्मा जी, राजीव कनकल्ला, महेश आचार्य, छत्रपति शेखर, राजशेखर अनिंगांगी, नवीन नैनी और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार शामिल है जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। मूवी की कहानी दोस्तों बहुत ही बढ़िया बनाई गई है और इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले है बहुत ही बढ़िया है जो कि सुकुमार ने दिया हुआ है। अगर आप इसे अभी देखना चाहते हैं
तो नेटफ्लिक्स पे यह मूवी अवेलेबल है। अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो इस मूवी का टेलीविज़न प्रीमियर 15 अक्टूबर को होने वाला था। हो सकता है कि मेरा वीडियो आप तक पहुंचे तब तक यह मूवी टीवी पर भी आ चुकी हो, तो आप इसे 15 अक्टूबर से टीवी पे देख पाएंगे। जो गोल्ड माइन का टीवी चैनल है वहाँ पर यह रिलीज़ होने वाली है हिंदी भाषा में। जो IMDB है वहाँ पर 10 आउट ऑफ 7.3 की रेटिंग मिली है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे 5 में से 3 स्टार दिए हैं और जो रॉटन टोमेटो है इसे 90% लोगों ने लाइक किया है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी 90% लोगों ने लाइक दिया है। इससे आप समझ सकते हैं कि इस मूवी में वाकई दम है और इस मूवी को एडिट किया हुआ है नवीन डोली ने, जो कि एक बहुत ही तगड़े एडिटर रहे हैं। इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ में काम भी किया हुआ है और बहुत सारी मूवीज़ वो एडिट भी कर चुके हैं। चलिए हम इस कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं कि इसके अंदर आपको क्या खास देखने को मिलेगा, क्या स्टोरी है कि इस मूवी का कलेक्शन इतना तगड़ा हो गया। हालांकि दोस्तों सभी लोगों की पसंद अलग अलग हो सकती है, हो सकता है ये मूवी आपको पसंद आए भी और ना भी। मैंने इस मूवी को बहुत ही पहले देखा था, मुझे ये मूवी दोस्तों पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी और मुझे उम्मीद है कि आपको भी यह फिल्म अच्छी लग सकती है। वैसे फिल्म शुरू होती है एक लव स्टोरी से। लड़का अपने गांव आया होता है और शहर से नज़र पड़ी एक सुंदर लड़की में, तो दोनों का दिल आपस में टकरा गया होता है। इस लव स्टोरी का विलन कोई इंसान नहीं बल्कि गांव का खुद बन जाता है। अचानक से गांव में होने वाली कुछ घटनाएं जो सबको हैरान कर देती है, अजीबोगरीब मौतें जिसमें किसी इंसान से ज़्यादा किसी शैतान का हार लगता है। इस मौत में एक चीज़ कॉमन होती है कि मरने वाले की हालत इतनी बुरी है कि कोई भी इंसान उसे ढंग से देखने में कामयाब नहीं रहता है और कोई इतनी हिम्मत नहीं कर सकता है और गांव की रक्षा कौन करता है। इस बीच में मौजूद सालों पुराना एक देवी देवता का मंदिर यहाँ का पुजारी बसने का एक रास्ता बताता है। पूरे गाँव को लॉक कर दिया जाता है, ना कोई बाहर वाला अंदर आएगा और ना कोई अंदर वाला बाहर जाएगा। ये जो भी अभी वर्तमान में चल रहा होता है, डर का माहौल होता है, लोग वगैरह मर रहे होते हैं, गांव में कोई भूत वगैरह घुसाया होता है। अगर दोस्तों देखा जाए तो भूत प्रेत आत्मा ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है, साइंस इसका दावा नहीं करता है। ये सिर्फ कहानी में आपको देखने को मिलेगा बल्कि आप अपनी आंखों से कभी देखेंगे नहीं। अगर आप में से बहुत लोग ऐसा कहेंगे कि हमने भूत देखा है तो वो आपका मन का वहम होगा, क्योंकि दोस्तों हमारा दिमाग इतना पावरफुल है कि हमने जो पुरानी स्टोरी सुनी है या फिर कोई आपको कहानी सुनाता है कि इस जगह पर ऐसा होता है, फिर कभी ना कभी आप उस जगह पर रात को गए होगे या फिर वहाँ से पास होगे तो आपको ऐसा ज़रूर फील होने लगेगा कि यहाँ पर सच में कोई मौजूद है, बल्कि ऐसा कुछ भी होता नहीं है। लेकिन अब चलते हैं इस गांव के पास्ट में। इस गांव में एक बड़ी कहानी मशहूर होती है। पहले गांव में एक पागल तांत्रिक रहता था जो अपने तंत्र वगैरह को पावरफुल बनाने के लिए छोटे बच्चों को बलि देता था। उसका बाद में क्या हुआ जो फिल्म देखकर आपको पता चलेगा। इस गांव के अंदर एक बहुत ही बड़ी रहस्यमय बात छुपी है जो आप इस मूवी को देखेंगे तो जानेंगे। मैं दोस्तों यहाँ इस मूवी की पूरी कहानी रिवील नहीं करना चाहता। आप इस कमाल की मूवी को गोल्ड मैन के टीवी चैनल पर जाके देखिए। ये मूवी दोस्तों आपको वाकई पसंद ज़रूर आएंगी। दोस्तों आप लोगों ने मूवीज़ तो बहुत सारी देखी होगी, पर आज मैं आपको ऐसी एक कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बताऊंगा जो शायद आपको एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं कराएंगी। अब तो ये मूवी हिंदी भाषा में भी रिलीज़ हो चुकी है, तो ये मूवी कहाँ पर आप इसे देख सकते हैं हिंदी में, क्या इस मूवी की स्टोरी है, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि आपको इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी एक कमाल की जो मूवी है इसे एंजॉय कर सके। दोस्तों मूवी बहुत ही शानदार बनाई गई है और इस मूवी से आपको दोस्तों ज़रूर एंटरटेनमेंट मिलने वाला है। कमाल की बात तो ये है कि जो पुष्पा मूवी को डायरेक्ट किए थे उन्होंने इस मूवी की कहानी लिखी हुई है। तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं कि क्या इस मूवी की स्टोरी है और कहाँ कहाँ पर ये देखने को मिलेंगी। तो मूवी के बारे में बात करें तो विरूपक्षा इसे 2023 में रिलीज़ किया गया था। कहे तो ये एक हॉरर मूवी है जिसकी हिंदी डबिंग गोल्ड मैन ने करवाई है। अगर आप लोग जो है वो हॉरर मूवीज़ को देखते हैं तो डेफिनेटली इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले है, डायलॉग है, वो सब कुछ बढ़िया है जो आपको पसंद ज़रूर आएगा। इस मूवी को प्रोड्यूस किया हुआ था श्री वेंकट सुब्रवासी ने चित्रा और सुकुमार राइटिंग्स ने। इसके अलावा ये जो मूवी थी वो तेलुगु भाषा में रिलीज़ हुई थी
जहां पर इसे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला और एक बहुत ही बड़ी ये ब्लॉकबस्टर मूवी बन गई। शायद धर्म तेज ने कमबैक किया है, हालांकि उनकी बैक टू बैक बहुत सारी मूवीज़ फ्लॉप गई, पर यह जो मूवी आई इन्होंने बॉक्स ऑफिस पे 100 करोड़ का कारोबार कर दिखाया, मतलब कि अब उनका कमबैक हो चुका है और आने वाले समय में हमें एक से बढ़कर एक मूवी ऐसी देखने को मिल सकती है। तो ये मूवी जो है 2 घंटे 26 मिनट की है, इसे ये सेंसर किया गया है, तो आप इसे फैमिली के साथ तो नहीं देख सकते क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे सीन देखने को मिल सकते हैं जो कि कट हो गए। तो आप इसे इंजॉय तो कर सकते हैं बट कुछ सीन ऐसे आ सकते हैं जिन्हें आपको कट करना पड़ेगा, पर मेरे हिसाब से आप इसे टीवी पे देखेंगे तो वो सारे सीन कट हो चुके होंगे। अगर इस मूवी के बारे में थोड़ी आगे चर्चा करें तो यहाँ पर जो लीड कास्ट है उसके अंदर संयुक्ता मेनन, साई धर्म तेज, रवि कृष्णा, कौशिक महाता, साई चंद, कमल कमराजू, सोनिया सिंह, सुनील श्यामला झांसी, अजय ब्रह्मा जी, राजीव कनकल्ला, महेश आचार्य, छत्रपति शेखर, राजशेखर अनिंगांगी, नवीन नैनी और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार शामिल है जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। मूवी की कहानी दोस्तों बहुत ही बढ़िया बनाई गई है और इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले है वो बहुत ही बढ़िया है जो कि सुकुमार ने दिया हुआ है। अगर आप इसे अभी देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पे यह मूवी अवेलेबल है। अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो इस मूवी का टेलीविजन प्रीमियर 15 अक्टूबर को होने वाला था। हो सकता है कि मेरा वीडियो आप तक पहुँचे तब तक यह मूवी टीवी पर भी आ चुकी हो, तो आप इसे 15 अक्टूबर से टीवी पे देख पाएंगे। जो गोल्ड माइन का टीवी चैनल है वहाँ पर यह रिलीज़ होने वाली है हिंदी भाषा में। जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 7.3 की रेटिंग मिली है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे 5 में से 3 स्टार दिए हैं और जो रॉटन टोमेटो है इसे 90% लोगों ने लाइक किया है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी 90% लोगों ने लाइक दिया है। इससे आप समझ सकते हैं कि इस मूवी में वाकई दम है और इस मूवी को एडिट किया हुआ है नवीन डोली ने, जो कि एक बहुत ही तगड़े एडिटर रहे हैं। इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ में काम भी किया हुआ है और बहुत सारी मूवीज़ वो एडिट भी कर चुके हैं। चलिए हम इस कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं कि इसके अंदर आपको क्या खास देखने को मिलेगा, क्या स्टोरी है कि इस मूवी का कलेक्शन इतना तगड़ा हो गया। हालांकि दोस्तों सभी लोगों की पसंद अलग अलग हो सकती है, हो सकता है ये मूवी आपको पसंद आए भी और ना भी। मैंने इस मूवी को बहुत ही पहले देखा था, मुझे ये मूवी दोस्तों पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी और मुझे उम्मीद है कि आपको भी यह फिल्म अच्छी लग सकती है। वैसे फिल्म शुरू होती है एक लव स्टोरी से, लड़का अपने गांव आया होता है और शहर से नज़र पड़ी एक सुंदर लड़की में, तो दोनों का दिल आपस में टकरा गया होता है। इस लव स्टोरी का विलन कोई इंसान नहीं बल्कि गांव का खुद बन जाता है। अचानक से गांव में होने वाली कुछ घटनाएं जो सबको हैरान कर देती है, अजीबोगरीब मौतें जिसमें किसी इंसान से ज़्यादा किसी शैतान का हार्ट लगता है। इस मौत में एक चीज़ कॉमन होती है कि मरने वाले की हालत इतनी बुरी है कि कोई भी इंसान उसे ढंग से देखने में कामयाब नहीं रहता है और कोई इतनी हिम्मत नहीं कर सकता है, और गांव की रक्षा कौन करता है। इस बीच में मौजूद सालों पुराना एक देवी देवता का मंदिर यहाँ का पुजारी बसने का एक रास्ता बताता है। पूरे गाँव को लॉक कर दिया जाता है, न कोई बाहर वाला अंदर आएगा और ना कोई अंदर वाला बाहर जाएगा। ये जो भी अभी वर्तमान में चल रहा होता है, डर का माहौल होता है, लोग वगैरह मर रहे होते हैं, गांव में कोई भूत वगैरह घुसाया होता है। अगर दोस्तों देखा जाए तो भूत प्रेत आत्मा ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है, साइंस इसका दावा नहीं करता है। ये सिर्फ कहानी में आपको देखने को मिलेगा बल्कि आप अपनी आँखों से कभी देखेंगे नहीं। अगर आप में से बहुत लोग ऐसा कहेंगे कि हमने भूत देखा है तो वो आपका मन का वहम होगा, क्योंकि दोस्तों हमारा दिमाग इतना पावरफुल है कि हमने जो पुरानी स्टोरी सुनी है या फिर कोई आपको कहानी सुनाता है कि इस जगह पर ऐसा होता है, फिर कभी ना कभी आप उस जगह पर रात को गए होगे या फिर वहाँ से पास होगे तो आपको ऐसा ज़रूर फील होने लगेगा कि यहाँ पर सच में कोई मौजूद है, बल्कि ऐसा कुछ भी होता नहीं है। लेकिन अब चलते हैं इस गाँव के पास्ट में। इस गाँव में एक बड़ी कहानी मशहूर होती है। पहले गांव में एक पागल तांत्रिक रहता था जो अपने तंत्र वगैरह को पावरफुल बनाने के लिए छोटे बच्चों को बलि देता था। उसका बाद में क्या हुआ जो फिल्म देखकर आपको पता चलेगा। इस गांव के अंदर एक बहुत ही बड़ी रहस्यमय बात छुपी है जो आप इस मूवी को देखेंगे तो जानेंगे। मैं दोस्तों यहां पर इस मूवी की पूरी कहानी रिवील नहीं करना चाहता। आप इस कमाल की मूवी को गोल्ड माइन के टीवी चैनल पर जाकर देखिए। ये मूवी दोस्तों आपको वाकई पसंद ज़रूर आएगी।
दोस्तों आप लोगों ने मूवीज तो बहुत सारी देखी होगी, पर आज मैं आपको ऐसी एक कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बताऊंगा जो शायद आपको एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं कराएंगी। अब तो ये मूवी हिंदी भाषा में भी रिलीज हो चुकी है, तो ये मूवी कहाँ पर आप इसे देख सकते हैं हिंदी में, क्या इस मूवी की स्टोरी है, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि आपको इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी एक कमाल की जो मूवी है इसे एंजॉय कर सके। दोस्तों मूवी बहुत ही शानदार बनाई गई है और इस मूवी से आपको दोस्तों ज़रूर एंटरटेनमेंट मिलने वाला है। कमाल की बात तो ये है कि जो पुष्पा मूवी को डायरेक्ट किए थे उन्होंने इस मूवी की कहानी लिखी हुई है। तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं कि क्या इस मूवी की स्टोरी है और कहाँ कहाँ पर ये देखने को मिलेंगी। तो मूवी के बारे में बात करें तो विरूपक्षा इसे 2023 में रिलीज़ किया गया था। कहे तो ये एक हॉरर मूवी है जिसकी हिंदी डबिंग गोल्डमैन ने करवाई है। अगर आप लोग जो है वो हॉरर मूवीज़ को देखते हैं तो डेफिनेटली इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले है, डायलॉग है, वो सब कुछ बढ़िया है जो आपको पसंद ज़रूर आएगा। इस मूवी को प्रोड्यूस किया हुआ था श्री वेंकट सुब्रवासी ने, चित्रा और सुकुमार राइटिंग्स ने। इसके अलावा ये जो मूवी थी वो तेलुगु भाषा में रिलीज़ हुई थी, जहां पर इसे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला और एक बहुत ही बड़ी ये ब्लॉकबस्टर मूवी बन गई। शायद रम तेज ने कमबैक किया है, हालांकि उनकी बैक टू बैक बहुत सारी मूवीज़ फ्लॉप गई, पर यह जो मूवी आई इन्होंने बॉक्स ऑफिस पे 100 करोड़ का कारोबार कर दिखाया। मतलब कि अब उनका कमबैक हो चुका है और आने वाले समय में हमें एक से बढ़कर एक मूवी ऐसी देखने को मिल सकती है। तो ये मूवी जो है 2 घंटे 26 मिनट की है, इसे ये सेंसर किया गया है, तो आप इसे फैमिली के साथ तो नहीं देख सकते क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे सीन देखने को मिल सकते हैं जो कि कट हो गए। तो आप इसे इंजॉय तो कर सकते हैं बट कुछ सीन ऐसे आ सकते हैं जिन्हें आपको कट करना पड़ेगा, पर मेरे हिसाब से आप इसे टीवी पे देखेंगे तो वो सारे सीन कट हो चुके होंगे। अगर इस मूवी के बारे में थोड़ी आगे चर्चा करें तो यहाँ पर जो लीड कास्ट है उसके अंदर संयुक्ता मेनन, साई धर्म तेज, रवि कृष्णा, कौशिक महाता, साई चंद, कमल कमराजू, सोनिया सिंह, सुनील श्यामला झांसी, अजय ब्रह्मा जी, राजीव कनकल्ला, महेश आचार्य, छत्रपति शेखर, राजशेखर अनिंगांगी, नवीन नैनी और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार शामिल है जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। मूवी की कहानी दोस्तों बहुत ही बढ़िया बनाई गई है और इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले है वो बहुत ही बढ़िया है जो कि सुकुमार ने दिया हुआ है। अगर आप इसे अभी देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पे यह मूवी अवेलेबल है। अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो इस मूवी का टेलीविजन प्रीमियर 15 अक्टूबर को होने वाला था। हो सकता है कि मेरा वीडियो आप तक पहुँचे तब तक ये मूवी टीवी पर भी आ चुकी हो, तो आप इसे 15 अक्टूबर से टीवी पे देख पाएंगे। जो गोल्ड माइन का टीवी चैनल है वहाँ पे ये रिलीज़ होने वाली है हिंदी भाषा में। जो IMDB है वहाँ पर 10 आउट ऑफ 7.3 की रेटिंग मिली है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे 5 में से 3 स्टार दिए हैं और जो रॉटन टोमेटो है इसे 90% लोगों ने लाइक किया है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी 90% लोगों ने लाइक दिया है। इससे आप समझ सकते हैं कि इस मूवी में वाकई दम है और इस मूवी को एडिट किया हुआ है नवीन डोली ने, जो कि एक बहुत ही तगड़े एडिटर रहे हैं। इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ में काम भी किया हुआ है और बहुत सारी मूवीज़ वो एडिट भी कर चुके हैं। चलिए हम इस कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं कि इसके अंदर आपको क्या खास देखने को मिलेगा, क्या स्टोरी है कि इस मूवी का कलेक्शन इतना तगड़ा हो गया। हालांकि दोस्तों सभी लोगों की पसंद अलग अलग हो सकती है, हो सकता है ये मूवी आपको पसंद आए भी और ना भी। मैंने इस मूवी को बहुत ही पहले देखा था, मुझे ये मूवी दोस्तों पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी और मुझे उम्मीद है कि आपको भी यह फिल्म अच्छी लग सकती है। वैसे फिल्म शुरू होती है एक लव स्टोरी से। लड़का अपने गांव आया होता है और शहर से नज़र पड़ी एक सुंदर लड़की में, तो दोनों का दिल आपस में टकरा गया होता है। इस लव स्टोरी का विलन कोई इंसान नहीं बल्कि गांव का खुद बन जाता है। अचानक से गांव में होने वाली कुछ घटनाएं जो सबको हैरान कर देती है, अजीबोगरीब मौतें जिसमें किसी इंसान से ज़्यादा किसी शैतान का हार्ड लगता है। इस मौत में एक चीज़ कॉमन होती है कि मरने वाले की हालत इतनी बुरी है कि कोई भी इंसान उसे ढंग से देखने में कामयाब नहीं रहता है,
और कोई इतनी हिम्मत नहीं कर सकता है। और गांव की रक्षा कौन करता है? इस बीच में मौजूद सालों पुराना एक देवी देवता का मंदिर यहाँ का पुजारी बसने का एक रास्ता बताता है। पूरे गांव को लॉक कर दिया जाता है, ना कोई बाहर वाला अंदर आएगा और ना कोई अंदर वाला बाहर जाएगा। ये जो भी अभी वर्तमान में चल रहा होता है, डर का माहौल होता है, लोग वगैरह मर रहे होते हैं, गांव में कोई भूत वगैरह घुसाया होता है। अगर दोस्तों देखा जाए तो भूत प्रेत आत्मा ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है, साइंस इसका दावा नहीं करता है। ये सिर्फ कहानी में आपको देखने को मिलेगा, बल्कि आप अपनी आंखों से कभी देखेंगे नहीं। अगर आप में से बहुत लोग ऐसा कहेंगे कि हमने भूत देखा है तो वो आपका मन का वहम होगा, क्योंकि दोस्तों हमारा दिमाग इतना पावरफुल है कि हमने जो पुरानी स्टोरी सुनी है या फिर कोई आपको कहानी सुनाता है कि इस जगह पर ऐसा होता है, फिर कभी ना कभी आप उस जगह पर रात को गए होगे या फिर वहाँ से पास होगे तो आपको ऐसा ज़रूर फील होने लगेगा कि यहाँ पर सच में कोई मौजूद है, बल्कि ऐसा कुछ भी होता नहीं है। लेकिन अब चलते हैं इस गांव के पास्ट में। इस गांव में एक बड़ी कहानी मशहूर होती है। पहले गांव में एक पागल तांत्रिक रहता था जो अपने तंत्र वगैरह को पावरफुल बनाने के लिए छोटे बच्चों को बलि देता था। उसका बाद में क्या हुआ जो फिल्म देखकर आपको पता चलेगा। इस गांव के अंदर एक बहुत ही बड़ी रहस्यमय बात छुपी है जो आप इस मूवी को देखेंगे तो जानेंगे। मैं दोस्तों यहाँ इस मूवी की पूरी कहानी रिवील नहीं करना चाहता। आप इस कमाल की मूवी को गोल्ड मैन के टीवी चैनल पर जाकर देखिए। ये मूवी दोस्तों आपको वाकई ही पसंद ज़रूर आएंगी। दोस्तों आप लोगों ने मूवीज़ तो बहुत सारी देखी होगी, पर आज मैं आपको ऐसी एक कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बताऊंगा जो शायद आपको एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं कराएंगी। अब तो ये मूवी हिंदी भाषा में भी रिलीज हो चुकी है, तो ये मूवी कहाँ पर आप इसे देख सकते हैं हिंदी में, क्या इस मूवी की स्टोरी है, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि आपको इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी एक कमाल की जो मूवी है इसे एंजॉय कर सके। दोस्तों मूवी बहुत ही शानदार बनाई गई है और इस मूवी से आपको दोस्तों ज़रूर एंटरटेनमेंट मिलने वाला है। कमाल की बात तो ये है कि जो पुष्पा मूवी को डायरेक्ट किए थे उन्होंने इस मूवी की कहानी लिखी हुई है। तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं कि क्या इस मूवी की स्टोरी है और क्या कहाँ पर ये देखने को मिलेंगी। तो मूवी के बारे में बात करें तो विरूपाक्षा इसे 2023 में रिलीज़ किया गया था। कहे तो ये एक हॉरर मूवी है जिसकी हिंदी डबिंग गोल्ड मैन ने करवाई है। अगर आप लोग जो है वो हॉरर मूवीज़ को देखते हैं तो डेफिनेटली इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले है, डायलॉग है, वो सब कुछ बढ़िया है जो आपको पसंद ज़रूर आएगा। इस मूवी को प्रोड्यूस किया हुआ था श्री वेंकट सुवरवासी ने चित्रा और सुकुमार राइटिंग्स ने। इसके अलावा ये जो मूवी थी वो तेलुगु भाषा में रिलीज़ हुई थी जहां पर इसे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला और एक बहुत ही बड़ी ये ब्लॉकबस्टर मूवी बन गई। शायद रम तेज ने कमबैक किया है, हालांकि उनकी बैक टू बैक बहुत सारी मूवीज़ फ्लॉप गई, पर यह जो मूवी आई इन्होंने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का कारोबार कर दिखाया, मतलब कि अब उनका कमबैक हो चुका है और आने वाले समय में हमें एक से बढ़कर एक मूवी ऐसी देखने को मिल सकती है। तो ये मूवी जो है 2 घंटे 26 मिनट की है, इसे ये सेंसर किया गया है, तो आप इसे फैमिली के साथ तो नहीं देख सकते क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे सीन देखने को मिल सकते हैं जो कि कट हो गए। तो आप इसे इंजॉय तो कर सकते हैं बट कुछ सीन ऐसे आ सकते हैं जिन्हें आपको कट करना पड़ेगा, पर मेरे हिसाब से आप इसे टीवी पर देखेंगे तो वो सारे सीन कट हो चुके होंगे। अगर इस मूवी के बारे में थोड़ी आगे चर्चा करें तो यहाँ पर जो लीड कास्ट है उसके अंदर संयुक्ता मेनन, साई धर्म तेज, रवि कृष्णा, कौशिक महाता, साई चंद, कमल कमराजू, सोनिया सिंह, सुनील, श्यामला झांसी, अजय ब्रह्मा जी, राजीव कनकल्ला, महेश आचार्य, छत्रपति शेखर, राजशेखर अनिंगांगी, नवीन नैनी और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार शामिल है जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। मूवी की कहानी दोस्तों बहुत ही बढ़िया बनाई गई है और इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले है वो बहुत ही बढ़िया है जो कि सुकुमार ने दिया हुआ है। अगर आप इसे अभी देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पे यह मूवी अवेलेबल है। अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो इस मूवी का टेलीविज़न प्रीमियर 15 अक्टूबर को होने वाला था। हो सकता है कि मेरा वीडियो आप तक पहुँचे तब तक ये मूवी टीवी पर भी आ चुकी हो, तो आप इसे 15 अक्टूबर से टीवी पे देख पाएंगे। जो गोल्ड मैन का टीवी चैनल है वहाँ पे ये रिलीज़ होने वाली है हिंदी भाषा में। जो IMDB है वहाँ पर 10 आउट ऑफ 7.3 की रेटिंग मिली है
द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे 5 में से 3 स्टार दिए है और जो रॉटन टोमेटो है इसे 90% लोगों ने लाइक किया है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी 90% लोगों ने लाइक दिया है। इससे आप समझ सकते हैं कि इस मूवी में वाकई दम है और इस मूवी को एडिट किया हुआ है नवीन डोली ने जो कि एक बहुत ही तगड़े एडिटर रहे हैं। इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ में काम भी किया हुआ है और बहुत सारी मूवीज़ वो एडिट भी कर चुके हैं। चलिए हम इस कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं कि इसके अंदर आपको क्या खास देखने को मिलेगा, क्या स्टोरी है कि इस मूवी का कलेक्शन इतना तगड़ा हो गया। हालांकि दोस्तों सभी लोगों की पसंद अलग अलग हो सकती है, हो सकता है ये मूवी आपको पसंद आए भी और ना भी। मैंने इस मूवी को बहुत ही पहले देखा था, मुझे ये मूवी दोस्तों पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी और मुझे उम्मीद है कि आपको भी यह फिल्म अच्छी लग सकती है। वैसे फिल्म शुरू होती है एक लव स्टोरी से, लड़का अपने गांव आया होता है और शहर से नज़र पड़ी एक सुंदर लड़की में तो दोनों का दिल आपस में टकरा गया होता है। इस लव स्टोरी का विलन कोई इंसान नहीं बल्कि गांव का खुद बन जाता है। अचानक से गांव में होने वाली कुछ घटनाएं जो सबको हैरान कर देती है, अजीबोगरीब मौतें जिसमें किसी इंसान से ज़्यादा किसी शैतान का हार्ट लगता है। इस मौत में एक चीज़ कॉमन होती है कि मरने वाले की हालत इतनी बुरी है कि कोई भी इंसान उसे ढंग से देखने में कामयाब नहीं रहता है और कोई इतनी हिम्मत नहीं कर सकता है और गांव की रक्षा कौन करता है। इस बीच में मौजूद सालों पुराना एक देवी देवता का मंदिर यहाँ का पुजारी बसने का एक रास्ता बताता है। पूरे गांव को लॉक कर दिया जाता है, न कोई बाहर वाला अंदर आएगा और ना कोई अंदर वाला बाहर जाएगा। ये जो भी अभी वर्तमान में चल रहा होता है, डर का माहौल होता है, लोग वगैरह मर रहे होते हैं, गांव में कोई भूत वगैरह घुसाया होता है। अगर दोस्तों देखा जाए तो भूत प्रेत आत्मा ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है, साइंस इसका दावा नहीं करता है। ये सिर्फ कहानी में आपको देखने को मिलेगा बल्कि आप अपनी आंखों से कभी देखेंगे नहीं। अगर आप में से बहुत लोग ऐसा कहेंगे कि हमने भूत देखा है तो वो आपका मन का वहम होगा, क्योंकि दोस्तों हमारा दिमाग इतना पावरफुल है कि हमने जो पुरानी स्टोरी सुनी है या फिर कोई आपको कहानी सुनाता है कि इस जगह पर ऐसा होता है, फिर कभी ना कभी आप उस जगह पर रात को गए होगे या फिर वहाँ से पास होगे तो आपको ऐसा ज़रूर फील होने लगेगा कि यहाँ पर सच में कोई मौजूद है, बल्कि ऐसा कुछ भी होता नहीं है। लेकिन अब चलते हैं इस गांव के पास्ट में। इस गांव में एक बड़ी कहानी मशहूर होती है। पहले गांव में एक पागल तांत्रिक रहता था जो अपने तंत्र वगैरह को पावरफुल बनाने के लिए छोटे बच्चों को बलि देता था। उसका बाद में क्या हुआ जो फिल्म देखकर आपको पता चलेगा। इस गांव के अंदर एक बहुत ही बड़ी रहस्यमय बात छुपी है जो आप इस मूवी को देखेंगे तो जानेंगे। मैं दोस्तों यहाँ पर इस मूवी की पूरी कहानी रिवील नहीं करना चाहता, आप इस कमाल की मूवी को गोल्ड मैन के टीवी चैनल पर जाके देखिए। ये मूवी दोस्तों आपको वाकई पसंद ज़रूर आएंगी। दोस्तों आप लोगों ने मूवीज़ तो बहुत सारी देखी होगी पर आज मैं आपको ऐसी एक कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बताऊंगा जो शायद आपको एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं कराएंगी। अब तो ये मूवी हिंदी भाषा में भी रिलीज हो चुकी है तो ये मूवी कहाँ पर आप इसे देख सकते हैं हिंदी में, क्या इस मूवी की स्टोरी है, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि आपको इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी एक कमाल की जो मूवी है इसे एंजॉय कर सके। दोस्तों मूवी बहुत ही शानदार बनाई गई है और इस मूवी से आपको दोस्तों ज़रूर एंटरटेनमेंट मिलने वाला है। कमाल की बात तो ये है कि जो पुष्पा मूवी को डायरेक्ट किए थे उन्होंने इस मूवी की कहानी लिखी हुई है। तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं कि क्या इस मूवी की स्टोरी है और कहाँ पर ये देखने को मिलेंगी। तो मूवी के बारे में बात करें तो विरूपक्षा इसे 2023 में रिलीज़ किया गया था। कहे तो ये एक हॉरर मूवी है जिसकी हिंदी डबिंग गोल्ड मैन ने करवाई है। अगर आप लोग जो है वो हॉरर मूवीज़ को देखते हैं तो डेफिनेटली इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले है, डायलॉग है, वो सब कुछ बढ़िया है जो आपको पसंद ज़रूर आएगा। इस मूवी को प्रोड्यूस किया हुआ था श्री वेंकट सुवरवासी ने चित्रा और सुकुमार राइटिंग्स ने। इसके अलावा ये जो मूवी थी वो तेलुगु भाषा में रिलीज हुई थी जहां पर इसे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला और एक बहुत ही बड़ी ये ब्लॉकबस्टर मूवी बन गई। शायद रम तेज ने कमबैक किया है, हालांकि उनकी बैक टू बैक बहुत सारी मूवीज फ्लॉप गई पर यह जो मूवी आई इन्होंने बॉक्स ऑफिस पे 100 करोड़ का कारोबार कर दिखाया, मतलब कि अब उनका कमबैक हो चुका है और आने वाले समय में हमें एक से बढ़कर एक मूवी ऐसी देखने को मिल सकती है। तो ये मूवी जो है 2 घंटे 26 मिनट की है, इसे ये सेंसर किया गया है
तो आप इसे फैमिली के साथ तो नहीं देख सकते क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे सीन देखने को मिल सकते हैं जो कि कट हो गए। तो आप इसे इंजॉय तो कर सकते हैं बट कुछ सीन ऐसे आ सकते हैं जिन्हें आपको कट करना पड़ेगा, पर मेरे हिसाब से आप इसे टीवी पे देखेंगे तो वो सारे सीन कट हो चुके होंगे। अगर इस मूवी के बारे में थोड़ी आगे चर्चा करें तो यहाँ पर जो लीड कास्ट है उसके अंदर संयुक्ता मेनन, साई धर्म तेज, रवि कृष्णा, कौशिक महाता, साई चंद, कमल कमराजू, सोनिया सिंह, सुनील श्यामला झांसी, अजय ब्रह्मा जी, राजीव कनकल्ला, महेश आचार्य, छत्रपति शेखर, राजशेखर अनिंगांगी, नवीन नैनी और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार शामिल है जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। मूवी की कहानी दोस्तों बहुत ही बढ़िया बनाई गई है और इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले है वो बहुत ही बढ़िया है जो कि सुकुमार ने दिया हुआ है। अगर आप इसे अभी देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पे यह मूवी अवेलेबल है। अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो इस मूवी का टेलीविजन प्रीमियर 15 अक्टूबर को होने वाला था। हो सकता है कि मेरा वीडियो आप तक पहुंचे तब तक यह मूवी टीवी पर भी आ चुकी हो, तो आप इसे 15 अक्टूबर से टीवी पे देख पाएंगे। जो गोल्ड माइन का टीवी चैनल है वहाँ पर यह रिलीज होने वाली है हिंदी भाषा में। जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 7.3 की रेटिंग मिली है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे 5 में से 3 स्टार दिए हैं और जो रॉटन टोमेटो है इसे 90% लोगों ने लाइक किया है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी 90% लोगों ने लाइक दिया है। इससे आप समझ सकते हैं कि इस मूवी में वाकई दम है और इस मूवी को एडिट किया हुआ है नवीन डोली ने जो कि एक बहुत ही तगड़े एडिटर रहे हैं। इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ में काम भी किया हुआ है और बहुत सारी मूवीज़ वो एडिट भी कर चुके हैं। चलिए हम इस कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं कि इसके अंदर आपको क्या खास देखने को मिलेगा, क्या स्टोरी है कि इस मूवी का कलेक्शन इतना तगड़ा हो गया। हालांकि दोस्तों सभी लोगों की पसंद अलग अलग हो सकती है, हो सकता है ये मूवी आपको पसंद आए भी और ना भी। मैंने इस मूवी को बहुत ही पहले देखा था, मुझे ये मूवी दोस्तों पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी और मुझे उम्मीद है कि आपको भी यह फिल्म अच्छी लग सकती है। वैसे फिल्म शुरू होती है एक लव स्टोरी से। लड़का अपने गांव आया होता है और शहर से नज़र पड़ी एक सुंदर लड़की में तो दोनों का दिल आपस में टकरा गया होता है। इस लव स्टोरी का विलन कोई इंसान नहीं बल्कि गांव का खुद बन जाता है। अचानक से गांव में होने वाली कुछ घटनाएं जो सबको हैरान कर देती है, अजीबोगरीब मौतें जिसमें किसी इंसान से ज़्यादा किसी शैतान का हार लगता है। इस मौत में एक चीज़ कॉमन होती है कि मरने वाले की हालत इतनी बुरी है कि कोई भी इंसान उसे ढंग से देखने में कामयाब नहीं रहता है और कोई इतनी हिम्मत नहीं कर सकता है और गांव की रक्षा कौन करता है। इस बीच में मौजूद सालों पुराना एक देवी देवता का मंदिर यहां का पुजारी बसने का एक रास्ता बताता है। पूरे गाँव को लॉक कर दिया जाता है, न कोई बाहर वाला अंदर आएगा और ना कोई अंदर वाला बाहर जाएगा। ये जो भी अभी वर्तमान में चल रहा होता है, डर का माहौल होता है, लोग वगैरह मर रहे होते हैं, गांव में कोई भूत वगैरह घुसाया होता है। अगर दोस्तों देखा जाए तो भूत प्रेत आत्मा ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है, साइंस इसका दावा नहीं करता है। ये सिर्फ कहानी में आपको देखने को मिलेगा बल्कि आप अपनी आँखों से कभी देखेंगे नहीं। अगर आप में से बहुत लोग ऐसा कहेंगे कि हमने भूत देखा है तो वो आपका मन का वहम होगा क्योंकि दोस्तों हमारा दिमाग इतना पावरफुल है कि हमने जो पुरानी स्टोरी सुनी है या फिर कोई आपको कहानी सुनाता है कि इस जगह पर ऐसा होता है, फिर कभी ना कभी आप उस जगह पर रात को गए होगे या फिर वहाँ से पास होगे तो आपको ऐसा ज़रूर फील होने लगेगा कि यहाँ पर सच में कोई मौजूद है बल्कि ऐसा कुछ भी होता नहीं है। लेकिन अब चलते हैं इस गाँव के पास्ट में। इस गाँव में एक बड़ी कहानी मशहूर होती है। पहले गांव में एक पागल तांत्रिक रहता था जो अपने तंत्र वगैरह को पवारकुल बनाने के लिए छोटे बच्चों को बलि देता था। उसका बाद में क्या हुआ जो फिल्म देखकर आपको पता चलेगा। इस गांव के अंदर एक बहुत ही बड़ी रहस्यमय बात छुपी है जो आप इस मूवी को देखेंगे तो जानेंगे। मैं दोस्तों यहां पर इस मूवी की पूरी कहानी रिवील नहीं करना चाहता। आप इस कमाल की मूवी को गोल्ड माइन की टीवी चैनल पर जाकर देखिए, ये मूवी दोस्तों आपको वाकई पसंद ज़रूर आएंगी। दोस्तों आप लोगों ने मूवीज़ तो बहुत सारी देखी होगी पर आज मैं आपको ऐसी एक कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बताऊंगा जो शायद आपको एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं कराएंगी। अब तो ये मूवी हिंदी भाषा में भी रिलीज हो चुकी है तो ये मूवी कहां पर आप इसे देख सकते हैं हिंदी में, क्या इस मूवी की स्टोरी है, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि आपको इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी एक कमाल की जो मूवी है
इसे एंजॉय कर सके। दोस्तों मूवी बहुत ही शानदार बनाई गई है और इस मूवी से आपको दोस्तों ज़रूर एंटरटेनमेंट मिलने वाला है। कमाल की बात तो ये है कि जो पुष्पा मूवी को डायरेक्ट किए थे उन्होंने इस मूवी की कहानी लिखी हुई है। तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं कि क्या इस मूवी की स्टोरी है और क्या कहाँ पर ये देखने को मिलेंगी। तो मूवी के बारे में बात करें तो विरूपाक्षा इसे 2023 में रिलीज़ किया गया था। कहे तो ये एक हॉरर मूवी है जिसकी हिंदी डबिंग गोल्डमैन ने करवाई है। अगर आप लोग जो है वो हॉरर मूवीज़ को देखते हैं तो डेफिनेटली इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले है, डायलॉग है, वो सब कुछ बढ़िया है जो आपको पसंद ज़रूर आएगा। इस मूवी को प्रोड्यूस किया हुआ था श्री वेंकट सुब्रवासी ने, चित्रा और सुकुमार राइटिंग्स ने। इसके अलावा ये जो मूवी थी वो तेलुगु भाषा में रिलीज हुई थी, जहां पर इसे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला और एक बहुत ही बड़ी ये ब्लॉकबस्टर मूवी बन गई। शायद रम तेज ने कमबैक किया है, हालांकि उनकी बैक टू बैक बहुत सारी मूवीज़ फ्लॉप गई, पर यह जो मूवी आई इन्होंने बॉक्स ऑफिस पे 100 करोड़ का कारोबार कर दिखाया। मतलब कि अब उनका कमबैक हो चुका है और आने वाले समय में हम एक से बढ़कर एक मूवी ऐसी देखने को मिल सकती है। तो ये मूवी जो है 2 घंटे 26 मिनट की है, इसे ये सेंसर किया गया है, तो आप इसे फैमिली के साथ तो नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे सीन देखने को मिल सकते हैं जो कि कट हो गए। तो आप इसे इंजॉय तो कर सकते हैं, बट कुछ सीन ऐसे आ सकते हैं जिन्हें आपको कट करना पड़ेगा, पर मेरे हिसाब से आप इसे टीवी पे देखेंगे तो वो सारे सीन कट हो चुके होंगे। अगर इस मूवी के बारे में थोड़ी आगे चर्चा करें तो यहाँ पर जो लीड कास्ट है उसके अंदर संयुक्ता मेनन, साई धर्म तेज, रवि कृष्णा, कौशिक महाता, साई चंद, कमल कमराजू, सोनिया सिंह, सुनील, श्यामला झांसी, अजय ब्रह्मा जी, राजीव कनकल्ला, महेश आचार्य, छत्रपति शेखर, राजशेखर अनिंगांगी, नवीन नैनी और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार शामिल है जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। मूवी की कहानी दोस्तों बहुत ही बढ़िया बनाई गई है और इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले है बहुत ही बढ़िया है, जो कि सुकुमार ने दिया हुआ है। अगर आप इसे अभी देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पे यह मूवी अवेलेबल है। अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो इस मूवी का टेलीविज़न प्रीमियर 15 अक्टूबर को होने वाला था। हो सकता है कि मेरा वीडियो आप तक पहुँचे तब तक यह मूवी टीवी पर भी आ चुकी हो, तो आप इसे 15 अक्टूबर से टीवी पर देख पाएंगे। जो गोल्ड माइन का टीवी चैनल है वहाँ पर ये रिलीज़ होने वाली है हिंदी भाषा में। जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 7.3 की रेटिंग मिली है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे 5 में से 3 स्टार दिए हैं और जो रॉटन टोमेटो है इसे 90% लोगों ने लाइक किया है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी 90% लोगों ने लाइक दिया है। इससे आप समझ सकते हैं कि इस मूवी में वाकई दम है और इस मूवी को एडिट किया हुआ है नवीन डोली ने, जो कि एक बहुत ही तगड़े एडिटर रहे हैं। इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ में काम भी किया हुआ है और बहुत सारी मूवीज़ वो एडिट भी कर चुके हैं। चलिए हम इस कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं कि इसके अंदर आपको क्या खास देखने को मिलेगा, क्या स्टोरी है कि इस मूवी का कलेक्शन इतना तगड़ा हो गया। हालांकि दोस्तों सभी लोगों की पसंद अलग अलग हो सकती है, हो सकता है ये मूवी आपको पसंद आए भी और ना भी। मैंने इस मूवी को बहुत ही पहले देखा था, मुझे ये मूवी दोस्तों पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी और मुझे उम्मीद है कि आपको भी यह फिल्म अच्छी लग सकती है। वैसे फिल्म शुरू होती है एक लव स्टोरी से। लड़का अपने गांव आया होता है और शहर से नज़र पड़ी एक सुंदर लड़की में, तो दोनों का दिल आपस में टकरा गया होता है। इस लव स्टोरी का विलन कोई इंसान नहीं बल्कि गाँव का खुद बन जाता है। अचानक से गांव में होने वाली कुछ घटनाएं जो सबको हैरान कर देती है, अजीबोगरीब मौतें जिसमें किसी इंसान से ज़्यादा किसी शैतान का हार्ट लगता है। इस मौत में एक चीज़ कॉमन होती है कि मरने वाले की हालत इतनी बुरी है कि कोई भी इंसान उसे ढंग से देखने में कामयाब नहीं रहता है और कोई इतनी हिम्मत नहीं कर सकता है, और गाँव की रक्षा कौन करता है। इस बीच में मौजूद सालों पुराना एक देवी देवता का मंदिर यहाँ का पुजारी बसने का एक रास्ता बताता है। पूरे गांव को लॉक कर दिया जाता है, ना कोई बाहर वाला अंदर आएगा और ना कोई अंदर वाला बाहर जाएगा। ये जो भी अभी वर्तमान में चल रहा होता है, डर का माहौल होता है, लोग वगैरह मर रहे होते हैं, गांव में कोई भूत वगैरह घुसाया होता है। अगर दोस्तों देखा जाए तो भूत प्रेत आत्मा ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है, साइंस इसका दावा नहीं करता है।
ये सिर्फ कहानी में आपको देखने को मिलेगा, बल्कि आप अपनी आंखों से कभी देखेंगे नहीं। अगर आप में से बहुत लोग ऐसा कहेंगे कि हमने भूत देखा है, तो वो आपका मन का वहम होगा, क्योंकि दोस्तों हमारा दिमाग इतना पावरफुल है कि हमने जो पुरानी स्टोरी सुनी है या फिर कोई आपको कहानी सुनाता है कि इस जगह पर ऐसा होता है, फिर कभी ना कभी आप उस जगह पर रात को गए होगे या फिर वहाँ से पास होगे, तो आपको ऐसा ज़रूर फील होने लगेगा कि यहाँ पर सच में कोई मौजूद है, बल्कि ऐसा कुछ भी होता नहीं है। लेकिन अब चलते हैं इस गांव के पास्ट में। इस गांव में एक बड़ी कहानी मशहूर होती है। पहले गांव में एक पागल तांत्रिक रहता था, जो अपने तंत्र वगैरह को पावरफुल बनाने के लिए छोटे बच्चों को बलि देता था। उसका बाद में क्या हुआ, जो फिल्म देखकर आपको पता चलेगा। इस गांव के अंदर एक बहुत ही बड़ी रहस्यमय बात छुपी है, जो आप इस मूवी को देखेंगे तो जानेंगे। मैं दोस्तों यहाँ पर इस मूवी की पूरी कहानी रिवील नहीं करना चाहता। आप इस कमाल की मूवी को गोल्ड मैन के टीवी चैनल पर जाके देखिए। ये मूवी दोस्तों आपको वाकई ही पसंद ज़रूर आएंगी। दोस्तों आप लोगों ने मूवीज़ तो बहुत सारी देखी होगी, पर आज मैं आपको ऐसी एक कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बताऊंगा, जो शायद आपको एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं कराएंगी। अब तो ये मूवी हिंदी भाषा में भी रिलीज हो चुकी है, तो ये मूवी कहाँ पर आप इसे देख सकते हैं हिंदी में, क्या इस मूवी की स्टोरी है, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा, ताकि आपको इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी एक कमाल की जो मूवी है इसे एंजॉय कर सके। दोस्तों मूवी बहुत ही शानदार बनाई गई है, और इस मूवी से आपको दोस्तों ज़रूर एंटरटेनमेंट मिलने वाला है। कमाल की बात तो ये है कि जो पुष्पा मूवी को डायरेक्ट किए थे, उन्होंने इस मूवी की कहानी लिखी हुई है। तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं कि क्या इस मूवी की स्टोरी है और कहाँ कहाँ पर ये देखने को मिलेंगी। तो मूवी के बारे में बात करें तो विरूपक्षा इसे 2023 में रिलीज़ किया गया था। कहे तो ये एक हॉरर मूवी है, जिसकी हिंदी डबिंग गोल्ड मैन ने करवाई है। अगर आप लोग जो है वो हॉरर मूवीज़ को देखते हैं, तो डेफिनेटली इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले है, डायलॉग है, वो सब कुछ बढ़िया है, जो आपको पसंद ज़रूर आएगा। इस मूवी को प्रोड्यूस किया हुआ था श्री वेंकट सुब्रवासी ने, चित्रा और सुकुमार राइटिंग्स ने। इसके अलावा ये जो मूवी थी वो तेलुगु भाषा में रिलीज़ हुई थी, जहां पर इसे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला और एक बहुत ही बड़ी ये ब्लॉकबस्टर मूवी बन गई। शायद रम तेज ने कमबैक किया है, हालांकि उनकी बैक टू बैक बहुत सारी मूवीज़ फ्लॉप गई, पर यह जो मूवी आई इन्होंने बॉक्स ऑफिस पे 100 करोड़ का कारोबार कर दिखाया। मतलब कि अब उनका कमबैक हो चुका है, और आने वाले समय में हमें एक से बढ़कर एक मूवी ऐसी देखने को मिल सकती है। तो ये मूवी जो है 2 घंटे 26 मिनट की है, इसे ये सेंसर किया गया है, तो आप इसे फैमिली के साथ तो नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे सीन देखने को मिल सकते हैं जो कि कट हो गए। तो आप इसे इंजॉय तो कर सकते हैं, बट कुछ सीन ऐसे आ सकते हैं जिन्हें आपको कट करना पड़ेगा, पर मेरे हिसाब से आप इसे टीवी पर देखेंगे तो वो सारे सीन कट हो चुके होंगे। अगर इस मूवी के बारे में थोड़ी आगे चर्चा करें, तो यहाँ पर जो लीड कास्ट है उसके अंदर संयुक्ता मेनन, साई धर्म तेज, रवि कृष्णा, कौशिक महाता, साई चंद, कमल कमराजू, सोनिया सिंह, सुनील, श्यामला झांसी, अजय ब्रह्मा जी, राजीव कनकल्ला, महेश आचार्य, छत्रपति शेखर, राजशेखर अनिंगांगी, नवीन नैनी, और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार शामिल है जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। मूवी की कहानी दोस्तों बहुत ही बढ़िया बनाई गई है, और इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले है वो बहुत ही बढ़िया है, जो कि सुकुमार ने दिया हुआ है। अगर आप इसे अभी देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पे यह मूवी अवेलेबल है। अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो इस मूवी का टेलीविज़न प्रीमियर 15 अक्टूबर को होने वाला था। हो सकता है कि मेरा वीडियो आप तक पहुँचे तब तक ये मूवी टीवी पर भी आ चुकी हो, तो आप इसे 15 अक्टूबर से टीवी पे देख पाएंगे। जो गोल्ड मैन का टीवी चैनल है वहाँ पे ये रिलीज़ होने वाली है हिंदी भाषा में। जो आईएमडीबी है वहाँ पर 10 out of 7.3 की रेटिंग मिली है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे 5 में से 3 स्टार दिए है, और जो रॉटन टोमेटो है इसे 90% लोगों ने लाइक किया है, और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी 90% लोगों ने लाइक दिया है। इससे आप समझ सकते हैं कि इस मूवी में वाकई दम है, और इस मूवी को एडिट किया हुआ है नवीन डोली ने, जो कि एक बहुत ही तगड़े एडिटर रहे हैं। इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ में काम भी किया हुआ है, और बहुत सारी मूवीज़ वो एडिट भी कर चुके हैं। चलिए हम इस कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं
कि इसके अंदर आपको क्या खास देखने को मिलेगा, क्या स्टोरी है कि इस मूवी का कलेक्शन इतना तगड़ा हो गया। हालांकि दोस्तों सभी लोगों की पसंद अलग अलग हो सकती है, हो सकता है ये मूवी आपको पसंद आए भी और ना भी। मैंने इस मूवी को बहुत ही पहले देखा था, मुझे ये मूवी दोस्तों पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी और मुझे उम्मीद है कि आपको भी यह फिल्म अच्छी लग सकती है। वैसे फिल्म शुरू होती है एक लव स्टोरी से। लड़का अपने गांव आया होता है और शहर से नज़र पड़ी एक सुंदर लड़की में, तो दोनों का दिल आपस में टकरा गया होता है। इस लव स्टोरी का विलन कोई इंसान नहीं बल्कि गांव का खुद बन जाता है। अचानक से गांव में होने वाली कुछ घटनाएं जो सबको हैरान कर देती है, अजीबोगरीब मौतें जिसमें किसी इंसान से ज़्यादा किसी शैतान का हार्ट लगता है। इस मौत में एक चीज़ कॉमन होती है कि मरने वाले की हालत इतनी बुरी है कि कोई भी इंसान उसे ढंग से देखने में कामयाब नहीं रहता है और कोई इतनी हिम्मत नहीं कर सकता है। और गांव की रक्षा कौन करता है? इस बीच में मौजूद सालों पुराना एक देवी देवता का मंदिर यहाँ का पुजारी बसने का एक रास्ता बताता है। पूरे गांव को लॉक कर दिया जाता है, ना कोई बाहर वाला अंदर आएगा और ना कोई अंदर वाला बाहर जाएगा। ये जो भी अभी वर्तमान में चल रहा होता है, डर का माहौल होता है, लोग वगैरह मर रहे होते हैं, गांव में कोई भूत वगैरह घुसाया होता है। अगर दोस्तों देखा जाए तो भूत प्रेत आत्मा ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है, साइंस इसका दावा नहीं करता है। ये सिर्फ कहानी में आपको देखने को मिलेगा बल्कि आप अपनी आंखों से कभी देखेंगे नहीं। अगर आप में से बहुत लोग ऐसा कहेंगे कि हमने भूत देखा है तो वो आपका मन का वहम होगा, क्योंकि दोस्तों हमारा दिमाग इतना पावरफुल है कि हमने जो पुरानी स्टोरी सुनी है या फिर कोई आपको कहानी सुनाता है कि इस जगह पर ऐसा होता है, फिर कभी ना कभी आप उस जगह पर रात को गए होगे या फिर वहाँ से पास होगे तो आपको ऐसा ज़रूर फील होने लगेगा कि यहाँ पर सच में कोई मौजूद है, बल्कि ऐसा कुछ भी होता नहीं है। लेकिन अब चलते हैं इस गांव के पास्ट में। इस गांव में एक बड़ी कहानी मशहूर होती है। पहले गांव में एक पागल तांत्रिक रहता था जो अपने तंत्र वगैरह को पावरफुल बनाने के लिए छोटे बच्चों को बलि देता था। उसका बाद में क्या हुआ जो फिल्म देखकर आपको पता चलेगा। इस गांव के अंदर एक बहुत ही बड़ी रहस्यमय बात छुपी है जो आप इस मूवी को देखेंगे तो जानेंगे। मैं दोस्तों यहाँ पर इस मूवी की पूरी कहानी रिवील नहीं करना चाहता। आप इस कमाल की मूवी को गोल्ड मैन के टीवी चैनल पर जाकर देखिए। ये मूवी दोस्तों आपको वाकई ही पसंद ज़रूर आएंगी। दोस्तों आप लोगों ने मूवीज़ तो बहुत सारी देखी होगी, पर आज मैं आपको ऐसी एक कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बताऊंगा जो शायद आपको एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं कराएंगी। अब तो ये मूवी हिंदी भाषा में भी रिलीज़ हो चुकी है, तो ये मूवी कहाँ पर आप इसे देख सकते हैं हिंदी में, क्या इस मूवी की स्टोरी है, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि आपको इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी एक कमाल की जो मूवी है इसे एंजॉय कर सके। दोस्तों मूवी बहुत ही शानदार बनाई गई है और इस मूवी से आपको दोस्तों ज़रूर एंटरटेनमेंट मिलने वाला है। कमाल की बात तो ये है कि जो पुष्पा मूवी को डायरेक्ट किए थे उन्होंने इस मूवी की कहानी लिखी हुई है। तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं कि क्या इस मूवी की स्टोरी है और कहाँ पर ये देखने को मिलेंगी। तो मूवी के बारे में बात करें तो विरूपक्षा इसे 2023 में रिलीज़ किया गया था। कहे तो ये एक हॉरर मूवी है जिसकी हिंदी डबिंग गोल्ड मैन ने करवाई है। अगर आप लोग जो है वो हॉरर मूवीज़ को देखते हैं तो डेफिनेटली इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले है, डायलॉग है, वो सब कुछ बढ़िया है जो आपको पसंद ज़रूर आएगा। इस मूवी को प्रोड्यूस किया हुआ था श्री वेंकट सुब्रवासी ने चित्रा और सुकुमार राइटिंग्स ने। इसके अलावा ये जो मूवी थी वो तेलुगु भाषा में रिलीज़ हुई थी जहां पर इसे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला और एक बहुत ही बड़ी ये ब्लॉकबस्टर मूवी बन गई। शायद रमतेज ने कमबैक किया है, हालांकि उनकी बैक टू बैक बहुत सारी मूवीज़ फ्लॉप गई, पर यह जो मूवी आई इन्होंने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का कारोबार कर दिखाया, मतलब कि अब उनका कमबैक हो चुका है और आने वाले समय में हम एक से बढ़कर एक मूवी ऐसी देखने को मिल सकती है। तो ये मूवी जो है 2 घंटे 26 मिनट की है, इसे ये सेंसर किया गया है, तो आप इसे फैमिली के साथ तो नहीं देख सकते क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे सीन देखने को मिल सकते हैं जो कि कट हो गए। तो आप इसे इंजॉय तो कर सकते हैं बट कुछ सीन ऐसे आ सकते हैं जिन्हें आपको कट करना पड़ेगा, पर मेरे हिसाब से आप इसे टीवी पर देखेंगे तो वो सारे सीन कट हो चुके होंगे। अगर इस मूवी के बारे में थोड़ी आगे चर्चा करें तो यहाँ पर जो लीड कास्ट है उसके अंदर संयुक्ता मैनन, साई धर्म तेज, रवि कृष्णा, कौशिक महाता, साई चंद, कमल कमराजू, सोनिया सिंह, सुनील,
श्यामला झांसी, अजय ब्रह्मा जी, राजीव कनकल्ला, महेश आचार्य, छत्रपति शेखर, राजशेखर अनिंगांगी, नवीन नैनी और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार शामिल है जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। मूवी की कहानी दोस्तों बहुत ही बढ़िया बनाई गई है और इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले है वो बहुत ही बढ़िया है जो कि सुकुमार ने दिया हुआ है। अगर आप इसे अभी देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पे यह मूवी अवेलेबल है। अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो इस मूवी का टेलीविजन प्रीमियर 15 अक्टूबर को होने वाला था। हो सकता है कि मेरा वीडियो आप तक पहुंचे तब तक ये मूवी टीवी पर भी आ चुकी हो, तो आप इसे 15 अक्टूबर से टीवी पे देख पाएंगे। जो गोल्ड माइन का टीवी चैनल है वहाँ पे ये रिलीज़ होने वाली है हिंदी भाषा में। जो IMDB है वहाँ पर 10 आउट ऑफ 7.3 की रेटिंग मिली है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे 5 में से 3 स्टार दिए हैं और जो रॉटन टोमेटो है इसे 90% लोगों ने लाइक किया है और जो गूगल यूजर है वहाँ पर भी 90% लोगों ने लाइक दिया है। इससे आप समझ सकते हैं कि इस मूवी में वाकई दम है और इस मूवी को एडिट किया हुआ है नवीन डोली ने जो कि एक बहुत ही तगड़े एडिटर रहे हैं। इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ में काम भी किया हुआ है और बहुत सारी मूवीज़ वो एडिट भी कर चुके हैं। चलिए हम इस कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं कि इसके अंदर आपको क्या खास देखने को मिलेगा, क्या स्टोरी है कि इस मूवी का कलेक्शन इतना तगड़ा हो गया। हालांकि दोस्तों सभी लोगों की पसंद अलग अलग हो सकती है, हो सकता है ये मूवी आपको पसंद आए भी और ना भी। मैंने इस मूवी को बहुत ही पहले देखा था, मुझे ये मूवी दोस्तों पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी और मुझे उम्मीद है कि आपको भी यह फिल्म अच्छी लग सकती है। वैसे फिल्म शुरू होती है एक लव स्टोरी से। लड़का अपने गांव आया होता है और शहर से नज़र पड़ी एक सुंदर लड़की में तो दोनों का दिल आपस में टकरा गया होता है। इस लव स्टोरी का विलन कोई इंसान नहीं बल्कि गांव का खुद बन जाता है। अचानक से गांव में होने वाली कुछ घटनाएं जो सबको हैरान कर देती है, अजीबोगरीब मौतें जिसमें किसी इंसान से ज़्यादा किसी शैतान का हार्ड लगता है। इस मौत में एक चीज़ कॉमन होती है कि मरने वाले की हालत इतनी बुरी है कि कोई भी इंसान उसे ढंग से देखने में कामयाब नहीं रहता है और कोई इतनी हिम्मत नहीं कर सकता है और गांव की रक्षा कौन करता है। इस बीच में मौजूद सालों पुराना एक देवी देवता का मंदिर यहाँ का पुजारी बसने का एक रास्ता बताता है। पूरे गांव को लॉक कर दिया जाता है, ना कोई बाहर वाला अंदर आएगा और ना कोई अंदर वाला बाहर जाएगा। ये जो भी अभी वर्तमान में चल रहा होता है, डर का माहौल होता है, लोग वगैरह मर रहे होते हैं, गांव में कोई भूत वगैरह घुसाया होता है। अगर दोस्तों देखा जाए तो भूत प्रेत आत्मा ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है, साइंस इसका दावा नहीं करता है। ये सिर्फ कहानी में आपको देखने को मिलेगा बल्कि आप अपनी आंखों से कभी देखेंगे नहीं। अगर आप में से बहुत लोग ऐसा कहेंगे कि हमने भूत देखा है तो वो आपका मन का वहम होगा, क्योंकि दोस्तों हमारा दिमाग इतना पावरफुल है कि हमने जो पुरानी स्टोरी सुनी है या फिर कोई आपको कहानी सुनाता है कि इस जगह पर ऐसा होता है, फिर कभी ना कभी आप उस जगह पर रात को गए होगे या फिर वहाँ से पास होगे तो आपको ऐसा ज़रूर फील होने लगेगा कि यहाँ पर सच में कोई मौजूद है, बल्कि ऐसा कुछ भी होता नहीं है। लेकिन अब चलते हैं इस गांव के पास्ट में। इस गांव में एक बड़ी कहानी मशहूर होती है। पहले गांव में एक पागल तांत्रिक रहता था जो अपने तंत्र वगैरह को पावरफुल बनाने के लिए छोटे बच्चों को बलि देता था। उसका बाद में क्या हुआ जो फिल्म देखकर आपको पता चलेगा। इस गांव के अंदर एक बहुत ही बड़ी रहस्यमय बात छुपी है जो आप इस मूवी को देखेंगे तो जानेंगे। मैं दोस्तों यहाँ इस मूवी की पूरी कहानी रिवील नहीं करना चाहता। आप इस कमाल की मूवी को गोल्ड मैन के टीवी चैनल पर जाके देखिए, ये मूवी दोस्तों आपको वाकई ही पसंद ज़रूर आएंगी। दोस्तों आप लोगों ने मूवीज़ तो बहुत सारी देखी होगी पर आज मैं आपको ऐसी एक कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बताऊंगा जो शायद आपको एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं कराएंगी। अब तो ये मूवी हिंदी भाषा में भी रिलीज हो चुकी है तो ये मूवी कहाँ पर आप इसे देख सकते हैं हिंदी में, क्या इस मूवी की स्टोरी है, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि आपको इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी एक कमाल की जो मूवी है इसे एंजॉय कर सके। दोस्तों मूवी बहुत ही शानदार बनाई गई है और इस मूवी से आपको दोस्तों ज़रूर एंटरटेनमेंट मिलने वाला है। कमाल की बात तो ये है कि जो पुष्पा मूवी को डायरेक्ट किए थे उन्होंने इस मूवी की कहानी लिखी हुई है। तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं कि क्या इस मूवी की स्टोरी है और कहाँ कहाँ पर ये देखने को मिलेंगी। तो मूवी के बारे में बात करें तो विरूपाक्ष इसे 2023 में रिलीज़ किया गया था।
कहे तो ये एक हॉरर मूवी है जिसकी हिंदी डबिंग गोल्ड मैन ने करवाई है। अगर आप लोग जो है वो हॉरर मूवीज़ को देखते हैं तो डेफिनेटली इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले है, डायलॉग है, वो सब कुछ बढ़िया है, जो आपको पसंद ज़रूर आएगा। इस मूवी को प्रोड्यूस किया हुआ था श्री वेंकट सुब्रवासी ने चित्रा और सुकुमार राइटिंग्स ने। इसके अलावा ये जो मूवी थी वो तेलुगु भाषा में रिलीज़ हुई थी, जहां पर इसे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला और एक बहुत ही बड़ी ये ब्लॉकबस्टर मूवी बन गई। शायद रमतेज ने कमबैक किया है, हालांकि उनकी बैक टू बैक बहुत सारी मूवीज़ फ्लॉप गई, पर यह जो मूवी आई इन्होंने बॉक्स ऑफिस पे 100 करोड़ का कारोबार कर दिखाया। मतलब कि अब उनका कमबैक हो चुका है और आने वाले समय में हमें एक से बढ़कर एक मूवी ऐसी देखने को मिल सकती है। तो ये मूवी जो है 2 घंटे 26 मिनट की है, इसे ये सेंसर किया गया है, तो आप इसे फैमिली के साथ तो नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे सीन देखने को मिल सकते हैं जो कि कट हो गए। तो आप इसे इंजॉय तो कर सकते हैं, बट कुछ सीन ऐसे आ सकते हैं जिन्हें आपको कट करना पड़ेगा, पर मेरे हिसाब से आप इसे टीवी पे देखेंगे तो वो सारे सीन कट हो चुके होंगे। अगर इस मूवी के बारे में थोड़ी आगे चर्चा करें तो यहाँ पर जो लीड कास्ट है उसके अंदर संयुक्ता मेनन, साई धर्म तेज, रवि कृष्णा, कौशिक महाता, साई चंद, कमल कमराजू, सोनिया सिंह, सुनील श्यामला झांसी, अजय ब्रह्मा जी, राजीव कनकल्ला, महेश आचार्य, छत्रपति शेखर, राजशेखर अनिंगांगी, नवीन नैनी और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार शामिल है जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। मूवी की कहानी दोस्तों बहुत ही बढ़िया बनाई गई है और इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले है वो बहुत ही बढ़िया है, जो कि सुकुमार ने दिया हुआ है। अगर आप इसे अभी देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पे यह मूवी अवेलेबल है। अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो इस मूवी का टेलीविजन प्रीमियर 15 अक्टूबर को होने वाला था। हो सकता है कि मेरा वीडियो आप तक पहुँचे तब तक यह मूवी टीवी पर भी आ चुकी हो, तो आप इसे 15 अक्टूबर से टीवी पे देख पाएंगे। जो गोल्ड माइन का टीवी चैनल है वहाँ पे ये रिलीज़ होने वाली है हिंदी भाषा में। जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 7.3 की रेटिंग मिली है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे 5 में से 3 स्टार दिए हैं और जो रॉटन टोमेटो है इसे 90% लोगों ने लाइक किया है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी 90% लोगों ने लाइक दिया है। इससे आप समझ सकते हैं कि इस मूवी में वाकई दम है और इस मूवी को एडिट किया हुआ है नवीन डोली ने, जो कि एक बहुत ही तगड़े एडिटर रहे हैं। इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ में काम भी किया हुआ है और बहुत सारी मूवीज़ वो एडिट भी कर चुके हैं। चलिए हम इस कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं कि इसके अंदर आपको क्या खास देखने को मिलेगा, क्या स्टोरी है कि इस मूवी का कलेक्शन इतना तगड़ा हो गया। हालांकि दोस्तों सभी लोगों की पसंद अलग अलग हो सकती है, हो सकता है ये मूवी आपको पसंद आए भी और ना भी। मैंने इस मूवी को बहुत ही पहले देखा था, मुझे ये मूवी दोस्तों पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी और मुझे उम्मीद है कि आपको भी यह फिल्म अच्छी लग सकती है। वैसे फिल्म शुरू होती है एक लव स्टोरी से। लड़का अपने गांव आया होता है और शहर से नज़र पड़ी एक सुंदर लड़की में तो दोनों का दिल आपस में टकरा गया होता है। इस लव स्टोरी का विलन कोई इंसान नहीं बल्कि गाँव का खुद बन जाता है। अचानक से गांव में होने वाली कुछ घटनाएं जो सबको हैरान कर देती है, अजीबोगरीब मौतें जिसमें किसी इंसान से ज़्यादा किसी शैतान का हार्ट लगता है। इस मौत में एक चीज़ कॉमन होती है कि मरने वाले की हालत इतनी बुरी है कि कोई भी इंसान उसे ढंग से देखने में कामयाब नहीं रहता है और कोई इतनी हिम्मत नहीं कर सकता है और गाँव की रक्षा कौन करता है। इस बीच में मौजूद सालों पुराना एक देवी देवता का मंदिर यहाँ का पुजारी बसने का एक रास्ता बताता है। पूरे गांव को लॉक कर दिया जाता है, ना कोई बाहर वाला अंदर आएगा और ना कोई अंदर वाला बाहर जाएगा। ये जो भी अभी वर्तमान में चल रहा होता है, डर का माहौल होता है, लोग वगैरह मर रहे होते हैं, गांव में कोई भूत वगैरह घुसाया होता है। अगर दोस्तों देखा जाए तो भूत प्रेत आत्मा ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है, साइंस इसका दावा नहीं करता है। ये सिर्फ कहानी में आपको देखने को मिलेगा बल्कि आप अपनी आंखों से कभी देखेंगे नहीं। अगर आप में से बहुत लोग ऐसा कहेंगे कि हमने भूत देखा है तो वो आपका मन का वहम होगा, क्योंकि दोस्तों हमारा दिमाग इतना पावरफुल है कि हमने जो पुरानी स्टोरी सुनी है या फिर कोई आपको कहानी सुनाता है कि इस जगह पर ऐसा होता है, फिर कभी ना कभी आप उस जगह पर रात को गए होगे या फिर वहाँ से पास होगे तो आपको ऐसा ज़रूर फील होने लगेगा कि यहाँ पर सच में कोई मौजूद है, बल्कि ऐसा कुछ भी होता नहीं है। लेकिन अब चलते हैं इस
इस गांव के पास्ट में। इस गांव में एक बड़ी कहानी मशहूर होती है। पहले गांव में एक पागल तांत्रिक रहता था जो अपने तंत्र वगैरह को पावरफुल बनाने के लिए छोटे बच्चों को बलि देता था। उसका बाद में क्या हुआ जो फिल्म देखकर आपको पता चलेगा। इस गांव के अंदर एक बहुत ही बड़ी रहस्यमय बात छुपी है जो आप इस मूवी को देखेंगे तो जानेंगे। मैं दोस्तों यहाँ पर इस मूवी की पूरी कहानी रिवील नहीं करना चाहता। आप इस कमाल की मूवी को गोल्ड मैन की टीवी चैनल पर जाके देखिए। ये मूवी दोस्तों आपको वाकई ही पसंद जरूर आएंगी। दोस्तों आप लोगों ने मूवीज़ तो बहुत सारी देखी होगी पर आज मैं आपको ऐसी एक कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बताऊंगा जो शायद आपको एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं कराएंगी। अब तो ये मूवी हिंदी भाषा में भी रिलीज हो चुकी है तो ये मूवी कहाँ पर आप इसे देख सकते हैं हिंदी में, क्या इस मूवी की स्टोरी है, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि आपको इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी एक कमाल की जो मूवी है इसे एंजॉय कर सके। दोस्तों मूवी बहुत ही शानदार बनाई गई है और इस मूवी से आपको दोस्तों ज़रूर एंटरटेनमेंट मिलने वाला है। कमाल की बात तो ये है कि जो पुष्पा मूवी को डायरेक्ट किए थे उन्होंने इस मूवी की कहानी लिखी हुई है। तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं कि क्या इस मूवी की स्टोरी है और कहाँ कहाँ पर ये देखने को मिलेंगी। तो मूवी के बारे में बात करें तो विरूपक्षा इसे 2023 में रिलीज़ किया गया था। कहे तो ये एक हॉरर मूवी है जिसकी हिंदी डबिंग गोल्ड मैन ने करवाई है। अगर आप लोग जो है वो हॉरर मूवीज़ को देखते हैं तो डेफिनेटली इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले है, डायलॉग है, वो सब कुछ बढ़िया है जो आपको पसंद ज़रूर आएगा। इस मूवी को प्रोड्यूस किया हुआ था श्री वेंकट सुवरवासी ने चित्रा और सुकुमार राइटिंग्स ने। इसके अलावा ये जो मूवी थी वो तेलुगु भाषा में रिलीज हुई थी जहां पर इसे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला और एक बहुत ही बड़ी ये ब्लॉकबस्टर मूवी बन गई। शायद रम तेज ने कमबैक किया है, हालांकि उनकी बैक टू बैक बहुत सारी मूवीज फ्लॉप गई पर यह जो मूवी आई इन्होंने बॉक्स ऑफिस पे 100 करोड़ का कारोबार कर दिखाया। मतलब कि अब उनका कमबैक हो चुका है और आने वाले समय में हम एक से बढ़कर एक मूवी ऐसी देखने को मिल सकती है। तो ये मूवी जो है 2 घंटे 26 मिनट की है, इसे ये सेंसर किया गया है तो आप इसे फैमिली के साथ तो नहीं देख सकते क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे सीन देखने को मिल सकते हैं जो कि कट हो गए। तो आप इसे इंजॉय तो कर सकते हैं बट कुछ सीन ऐसे आ सकते हैं जिन्हें आपको कट करना पड़ेगा, पर मेरे हिसाब से आप इसे टीवी पर देखेंगे तो वो सारे सीन कट हो चुके होंगे। अगर इस मूवी के बारे में थोड़ी आगे चर्चा करें तो यहाँ पर जो लीड कास्ट है उसके अंदर संयुक्ता मेनन, साई धर्म तेज, रवि कृष्णा, कौशिक महाता, साई चंद, कमल कमराजू, सोनिया सिंह, सुनील, श्यामला झांसी, अजय ब्रह्मा जी, राजीव कनकल्ला, महेश आचार्य, छत्रपति शेखर, राजशेखर अनिंगांगी, नवीन नैनी और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार शामिल है जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। मूवी की कहानी दोस्तों बहुत ही बढ़िया बनाई गई है और इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले है वो बहुत ही बढ़िया है जो कि सुकुमार ने दिया हुआ है। अगर आप इसे अभी देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पे यह मूवी अवेलेबल है। अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो इस मूवी का टेलीविज़न प्रीमियर 15 अक्टूबर को होने वाला था। हो सकता है कि मेरा वीडियो आप तक पहुँचे तब तक ये मूवी टीवी पर भी आ चुकी हो, तो आप इसे 15 अक्टूबर से टीवी पे देख पाएंगे। जो गोल्ड मैन का टीवी चैनल है वहाँ पे ये रिलीज़ होने वाली है हिंदी भाषा में। जो आईएमडीबी है वहाँ पर 10 out of 7.3 की रेटिंग मिली है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे 5 में से 3 स्टार दिए हैं और जो रॉटन टोमेटो है इसे 90% लोगों ने लाइक किया है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी 90% लोगों ने लाइक दिया है। इससे आप समझ सकते हैं कि इस मूवी में वाकई दम है और इस मूवी को एडिट किया हुआ है नवीन डोली ने जो कि एक बहुत ही तगड़े एडिटर रहे हैं। इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ में काम भी किया हुआ है और बहुत सारी मूवीज़ वो एडिट भी कर चुके हैं। चलिए हम इस कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं कि इसके अंदर आपको क्या खास देखने को मिलेगा, क्या स्टोरी है कि इस मूवी का कलेक्शन इतना तगड़ा हो गया। हालांकि दोस्तों सभी लोगों की पसंद अलग अलग हो सकती है, हो सकता है ये मूवी आपको पसंद आए भी और ना भी। मैंने इस मूवी को बहुत ही पहले देखा था, मुझे ये मूवी दोस्तों पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी और मुझे उम्मीद है कि आपको भी यह फिल्म अच्छी लग सकती है। वैसे फिल्म शुरू होती है एक लव स्टोरी से
लड़का अपने गांव आया होता है और शहर से नज़र पड़ी एक सुंदर लड़की में तो दोनों का दिल आपस में टकरा गया होता है। इस लव स्टोरी का विलन कोई इंसान नहीं बल्कि गांव का खुद बन जाता है। अचानक से गांव में होने वाली कुछ घटनाएं जो सबको हैरान कर देती है, अजीबोगरीब मौतें जिसमें किसी इंसान से ज़्यादा किसी शैतान का हार्ड लगता है। इस मौत में एक चीज़ कॉमन होती है कि मरने वाले की हालत इतनी बुरी है कि कोई भी इंसान उसे ढंग से देखने में कामयाब नहीं रहता है और कोई इतनी हिम्मत नहीं कर सकता है और गांव की रक्षा कौन करता है। इस बीच में मौजूद सालों पुराना एक देवी देवता का मंदिर यहां का पुजारी बसने का एक रास्ता बताता है। पूरे गांव को लॉक कर दिया जाता है, ना कोई बाहर वाला अंदर आएगा और ना कोई अंदर वाला बाहर जाएगा। ये जो भी अभी वर्तमान में चल रहा होता है, डर का माहौल होता है, लोग वगैरह मर रहे होते हैं, गाँव में कोई भूत वगैरह घुसाया होता है। अगर दोस्तों देखा जाए तो भूत प्रेत आत्मा ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है, साइंस इसका दावा नहीं करता है। ये सिर्फ कहानी में आपको देखने को मिलेगा बल्कि आप अपनी आंखों से कभी देखेंगे नहीं। अगर आप में से बहुत लोग ऐसा कहेंगे कि हमने भूत देखा है तो वो आपका मन का वहम होगा, क्योंकि दोस्तों हमारा दिमाग इतना पावरफुल है कि हमने जो पुरानी स्टोरी सुनी है या फिर कोई आपको कहानी सुनाता है कि इस जगह पर ऐसा होता है, फिर कभी ना कभी आप उस जगह पर रात को गए होगे या फिर वहाँ से पास होगे तो आपको ऐसा ज़रूर फील होने लगेगा कि यहाँ पर सच में कोई मौजूद है, बल्कि ऐसा कुछ भी होता नहीं है। लेकिन अब चलते हैं इस गांव के पास्ट में। इस गांव में एक बड़ी कहानी मशहूर होती है। पहले गांव में एक पागल तांत्रिक रहता था जो अपने तंत्र वगैरह को पावरफुल बनाने के लिए छोटे बच्चों को बलि देता था। उसका बाद में क्या हुआ जो फिल्म देखकर आपको पता चलेगा। इस गांव के अंदर एक बहुत ही बड़ी रहस्यमय बात छुपी है जो आप इस मूवी को देखेंगे तो जानेंगे। मैं दोस्तों यहाँ पर इस मूवी की पूरी कहानी रिवील नहीं करना चाहता। आप इस कमाल की मूवी को गोल्ड मैन के टीवी चैनल पर जाके देखिए। ये मूवी दोस्तों आपको वाकई ही पसंद ज़रूर आएंगी। दोस्तों आप लोगों ने मूवीज़ तो बहुत सारी देखी होगी पर आज मैं आपको ऐसी एक कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बताऊंगा जो शायद आपको एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं कराएंगी। अब तो ये मूवी हिंदी भाषा में भी रिलीज हो चुकी है तो ये मूवी कहाँ पर आप इसे देख सकते हैं हिंदी में, क्या इस मूवी की स्टोरी है, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि आपको इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी एक कमाल की जो मूवी है इसे एंजॉय कर सके। दोस्तों मूवी बहुत ही शानदार बनाई गई है और इस मूवी से आपको दोस्तों ज़रूर एंटरटेनमेंट मिलने वाला है। कमाल की बात तो ये है कि जो पुष्पा मूवी को डायरेक्ट किए थे उन्होंने इस मूवी की कहानी लिखी हुई है। तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं कि क्या इस मूवी की स्टोरी है और कहाँ पर ये देखने को मिलेंगी। तो मूवी के बारे में बात करें तो विरूपाक्षा इसे 2023 में रिलीज़ किया गया था। कहे तो ये एक हॉरर मूवी है जिसकी हिंदी डबिंग गोल्ड मैन ने करवाई है। अगर आप लोग जो है वो हॉरर मूवीज़ को देखते हैं तो डेफिनेटली इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले है, डायलॉग है, वो सब कुछ बढ़िया है जो आपको पसंद ज़रूर आएगा। इस मूवी को प्रोड्यूस किया हुआ था श्री वेंकट सुब्रवासी ने, चित्रा और सुकुमार राइटिंग्स ने। इसके अलावा ये जो मूवी थी वो तेलुगु भाषा में रिलीज हुई थी जहां पर इसे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला और एक बहुत ही बड़ी ये ब्लॉकबस्टर मूवी बन गई। शायद रम तेज ने कमबैक किया है, हालांकि उनकी बैक टू बैक बहुत सारी मूवीज़ फ्लॉप गई पर यह जो मूवी आई इन्होंने बॉक्स ऑफिस पे 100 करोड़ का कारोबार कर दिखाया, मतलब कि अब उनका कमबैक हो चुका है और आने वाले समय में हम एक से बढ़कर एक मूवी ऐसी देखने को मिल सकती है। तो ये मूवी जो है 2 घंटे 26 मिनट की है, इसे ये सेंसर किया गया है तो आप इसे फैमिली के साथ तो नहीं देख सकते क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे सीन देखने को मिल सकते हैं जो कि कट हो गए। तो आप इसे इंजॉय तो कर सकते हैं बट कुछ सीन ऐसे आ सकते हैं जिन्हें आपको कट करना पड़ेगा, पर मेरे हिसाब से आप इसे टीवी पे देखेंगे तो वो सारे सीन कट हो चुके होंगे। अगर इस मूवी के बारे में थोड़ी आगे चर्चा करें तो यहाँ पर जो लीड कास्ट है उसके अंदर संयुक्ता मेनन, साई धर्म तेज, रवि कृष्णा, कौशिक महाता, साई चंद, कमल कमराजू, सोनिया सिंह, सुनील श्यामला झांसी, अजय ब्रह्मा जी, राजीव कनकल्ला, महेश आचार्य, छत्रपति शेखर, राजशेखर अनिंगांगी, नवीन नैनी और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार शामिल है जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। मूवी की कहानी दोस्तों बहुत ही बढ़िया बनाई गई है और इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले है बहुत ही बढ़िया है जो कि सुकुमार ने दिया हुआ है। अगर आप इसे अभी देखना चाहते हैं
तो नेटफ्लिक्स पे यह मूवी अवेलेबल है। अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो इस मूवी का टेलीविज़न प्रीमियर 15 अक्टूबर को होने वाला था। हो सकता है कि मेरा वीडियो आप तक पहुंचे तब तक यह मूवी टीवी पर भी आ चुकी हो, तो आप इसे 15 अक्टूबर से टीवी पे देख पाएंगे, जो गोल्ड माइन का टीवी चैनल है वहाँ पर यह रिलीज़ होने वाली है हिंदी भाषा में। जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 7.3 की रेटिंग मिली है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे 5 में से 3 स्टार दिए हैं और जो रॉटन टोमेटो है इसे 90% लोगों ने लाइक किया है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी 90% लोगों ने लाइक दिया है। इससे आप समझ सकते हैं कि इस मूवी में वाकई दम है और इस मूवी को एडिट किया हुआ है नवीन डोली ने, जो कि एक बहुत ही तगड़े एडिटर रहे हैं। इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ में काम भी किया हुआ है और बहुत सारी मूवीज़ वो एडिट भी कर चुके हैं। चलिए हम इस कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं कि इसके अंदर आपको क्या खास देखने को मिलेगा, क्या स्टोरी है कि इस मूवी का कलेक्शन इतना तगड़ा हो गया। हालांकि दोस्तों सभी लोगों की पसंद अलग अलग हो सकती है, हो सकता है ये मूवी आपको पसंद आए भी और ना भी। मैंने इस मूवी को बहुत ही पहले देखा था, मुझे ये मूवी दोस्तों पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी और मुझे उम्मीद है कि आपको भी यह फिल्म अच्छी लग सकती है। वैसे फिल्म शुरू होती है एक लव स्टोरी से। लड़का अपने गांव आया होता है और शहर से नज़र पड़ी एक सुंदर लड़की में, तो दोनों का दिल आपस में टकरा गया होता है। इस लव स्टोरी का विलन कोई इंसान नहीं बल्कि गांव का खुद बन जाता है। अचानक से गांव में होने वाली कुछ घटनाएं जो सबको हैरान कर देती है, अजीबोगरीब मौतें जिसमें किसी इंसान से ज़्यादा किसी शैतान का हार्ट लगता है। इस मौत में एक चीज़ कॉमन होती है कि मरने वाले की हालत इतनी बुरी है कि कोई भी इंसान उसे ढंग से देखने में कामयाब नहीं रहता है और कोई इतनी हिम्मत नहीं कर सकता है, और गांव की रक्षा कौन करता है। इस बीच में मौजूद सालों पुराना एक देवी देवता का मंदिर यहाँ का पुजारी बसने का एक रास्ता बताता है। पूरे गाँव को लॉक कर दिया जाता है, ना कोई बाहर वाला अंदर आएगा और ना कोई अंदर वाला बाहर जाएगा। ये जो भी अभी वर्तमान में चल रहा होता है, डर का माहौल होता है, लोग वगैरह मर रहे होते हैं, गांव में कोई भूत वगैरह घुसाया होता है। अगर दोस्तों देखा जाए तो भूत प्रेत आत्मा ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है, साइंस इसका दावा नहीं करता है। ये सिर्फ कहानी में आपको देखने को मिलेगा बल्कि आप अपनी आँखों से कभी देखेंगे नहीं। अगर आप में से बहुत लोग ऐसा कहेंगे कि हमने भूत देखा है तो वो आपका मन का वहम होगा, क्योंकि दोस्तों हमारा दिमाग इतना पावरफुल है कि हमने जो पुरानी स्टोरी सुनी है या फिर कोई आपको कहानी सुनाता है कि इस जगह पर ऐसा होता है, फिर कभी ना कभी आप उस जगह पर रात को गए होगे या फिर वहाँ से पास होगे तो आपको ऐसा ज़रूर फील होने लगेगा कि यहाँ पर सच में कोई मौजूद है, बल्कि ऐसा कुछ भी होता नहीं है। लेकिन अब चलते हैं इस गाँव के पास्ट में। इस गाँव में एक बड़ी कहानी मशहूर होती है। पहले गांव में एक पागल तांत्रिक रहता था जो अपने तंत्र वगैरह को पावरफुल बनाने के लिए छोटे बच्चों को बलि देता था। उसका बाद में क्या हुआ जो फिल्म देखकर आपको पता चलेगा। इस गांव के अंदर एक बहुत ही बड़ी रहस्यमय बात छुपी है जो आप इस मूवी को देखेंगे तो जानेंगे। मैं दोस्तों यहां इस मूवी की पूरी कहानी रिवील नहीं करना चाहता। आप इस कमाल की मूवी को गोल्ड माइन के टीवी चैनल पर जाके देखिए, ये मूवी दोस्तों आपको वाकई पसंद ज़रूर आएंगी। दोस्तों आप लोगों ने मूवीज़ तो बहुत सारी देखी होगी, पर आज मैं आपको ऐसी एक कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बताऊंगा जो शायद आपको एक सिंगल पल के लिए बोर नहीं कराएंगी। अब तो ये मूवी हिंदी भाषा में भी रिलीज़ हो चुकी है, तो ये मूवी कहाँ पर आप इसे देख सकते हैं हिंदी में, क्या इस मूवी की स्टोरी है, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिएगा ताकि आपको इस मूवी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी एक कमाल की जो मूवी है इसे एंजॉय कर सके। दोस्तों मूवी बहुत ही शानदार बनाई गई है और इस मूवी से आपको दोस्तों ज़रूर एंटरटेनमेंट मिलने वाला है। कमाल की बात तो ये है कि जो पुष्पा मूवी को डायरेक्ट किए थे उन्होंने इस मूवी की कहानी लिखी हुई है। तो चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं कि क्या इस मूवी की स्टोरी है और क्या कहाँ पर ये देखने को मिलेंगी। तो मूवी के बारे में बात करें तो विरूपक्षा इसे 2023 में रिलीज़ किया गया था। कहे तो ये एक हॉरर मूवी है जिसकी हिंदी डबिंग गोल्ड माइन ने करवाई है। अगर आप लोग जो है वो हॉरर मूवीज़ को देखते हैं तो डेफिनेटली इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले है, डायलॉग है, वो सब कुछ बढ़िया है जो आपको पसंद ज़रूर आएगा। इस मूवी को प्रोड्यूस किया हुआ था श्री वेंकट सुवरवासी ने, चित्रा और सुकुमार राइटिंग्स ने। इसके अलावा ये जो मूवी थी वो तेलुगु भाषा में रिलीज़ हुई थी
जहां पर इसे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला और एक बहुत ही बड़ी ये ब्लॉकबस्टर मूवी बन गई। साइद्रम तेज ने कमबैक किया है, हालांकि उनकी बैक टू बैक बहुत सारी मूवीज़ फ्लॉप गई, पर यह जो मूवी आई इन्होंने बॉक्स ऑफिस पे 100 करोड़ का कारोबार कर दिखाया, मतलब कि अब उनका कमबैक हो चुका है और आने वाले समय में हमें एक से बढ़कर एक मूवी ऐसी देखने को मिल सकती है। तो ये मूवी जो है 2 घंटे 26 मिनट की है, इसे ये सेंसर किया गया है, तो आप इसे फैमिली के साथ तो नहीं देख सकते क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे सीन देखने को मिल सकते हैं जो कि कट हो गए। तो आप इसे इंजॉय तो कर सकते हैं बट कुछ सीन ऐसे आ सकते हैं जिन्हें आपको कट करना पड़ेगा, पर मेरे हिसाब से आप इसे टीवी पे देखेंगे तो वो सारे सीन कट हो चुके होंगे। अगर इस मूवी के बारे में थोड़ी आगे चर्चा करें तो यहाँ पर जो लीड कास्ट है उसके अंदर संयुक्ता मेनन, साई धर्म तेज, रवि कृष्णा, कौशिक महाता, साई चंद, कमल कमराजू, सोनिया सिंह, सुनील श्यामला झांसी, अजय ब्रह्मा जी, राजीव कनकल्ला, महेश आचार्य, छत्रपति शेखर, राजशेखर अनिंगांगी, नवीन नैनी और भी यहाँ पर बहुत सारे किरदार शामिल है जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। मूवी की कहानी दोस्तों बहुत ही बढ़िया बनाई गई है और इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले है वो बहुत ही बढ़िया है जो कि सुकुमार ने दिया हुआ है। अगर आप इसे अभी देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पे यह मूवी अवेलेबल है। अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो इस मूवी का टेलीविजन प्रीमियर 15 अक्टूबर को होने वाला था। हो सकता है कि मेरा वीडियो आप तक पहुंचे तब तक यह मूवी टीवी पर भी आ चुकी हो, तो आप इसे 15 अक्टूबर से टीवी पे देख पाएंगे। जो गोल्ड माइन का टीवी चैनल है वहाँ पर यह रिलीज़ होने वाली है हिंदी भाषा में। जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 7.3 की रेटिंग मिली है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे 5 में से 3 स्टार दिए हैं और जो रॉटन टोमेटो है इसे 90% लोगों ने लाइक किया है और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी 90% लोगों ने लाइक दिया है। इससे आप समझ सकते हैं कि इस मूवी में वाकई दम है और इस मूवी को एडिट किया हुआ है नवीन डोली ने, जो कि एक बहुत ही तगड़े एडिटर रहे हैं। इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ में काम भी किया हुआ है और बहुत सारी मूवीज़ वो एडिट भी कर चुके हैं। चलिए हम इस कहानी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं कि इसके अंदर आपको क्या खास देखने को मिलेगा, क्या स्टोरी है कि इस मूवी का कलेक्शन इतना तगड़ा हो गया। हालांकि दोस्तों सभी लोगों की पसंद अलग अलग हो सकती है, हो सकता है ये मूवी आपको पसंद आए भी और ना भी। मैंने इस मूवी को बहुत ही पहले देखा था, मुझे ये मूवी दोस्तों पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी और मुझे उम्मीद है कि आपको भी यह फिल्म अच्छी लग सकती है। वैसे फिल्म शुरू होती है एक लव स्टोरी से, लड़का अपने गांव आया होता है और शहर से नज़र पड़ी एक सुंदर लड़की में, तो दोनों का दिल आपस में टकरा गया होता है। इस लव स्टोरी का विलन कोई इंसान नहीं बल्कि गांव का खुद बन जाता है। अचानक से गांव में होने वाली कुछ घटनाएं जो सबको हैरान कर देती है, अजीबोगरीब मौतें जिसमें किसी इंसान से ज़्यादा किसी शैतान का हार्ट लगता है। इस मौत में एक चीज़ कॉमन होती है कि मरने वाले की हालत इतनी बुरी है कि कोई भी इंसान उसे ढंग से देखने में कामयाब नहीं रहता है और कोई इतनी हिम्मत नहीं कर सकता है और गांव की रक्षा कौन करता है। इस बीच में मौजूद सालों पुराना एक देवी देवता का मंदिर यहाँ का पुजारी बसने का एक रास्ता बताता है। पूरे गाँव को लॉक कर दिया जाता है, न कोई बाहर वाला अंदर आएगा और ना कोई अंदर वाला बाहर जाएगा। ये जो भी अभी वर्तमान में चल रहा होता है, डर का माहौल होता है, लोग वगैरह मर रहे होते हैं, गांव में कोई भूत वगैरह घुसाया होता है। अगर दोस्तों देखा जाए तो भूत प्रेत आत्मा ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है, साइंस इसका दावा नहीं करता है। ये सिर्फ कहानी में आपको देखने को मिलेगा बल्कि आप अपनी आँखों से कभी देखेंगे नहीं। अगर आप में से बहुत लोग ऐसा कहेंगे कि हमने भूत देखा है तो वो आपका मन का वहम होगा, क्योंकि दोस्तों हमारा दिमाग इतना पावरफुल है कि हमने जो पुरानी स्टोरी सुनी है या फिर कोई आपको कहानी सुनाता है कि इस जगह पर ऐसा होता है, फिर कभी ना कभी आप उस जगह पर रात को गए होगे या फिर वहाँ से पास होगे, तो आपको ऐसा ज़रूर फील होने लगेगा कि यहाँ पर सच में कोई मौजूद है, बल्कि ऐसा कुछ भी होता नहीं है। लेकिन अब चलते हैं इस गाँव के पास्ट में। इस गाँव में एक बड़ी कहानी मशहूर होती है। पहले गांव में एक पागल तांत्रिक रहता था जो अपने तंत्र वगैरह को पावरफुल बनाने के लिए छोटे बच्चों को बलि देता था। उसका बाद में क्या हुआ जो फिल्म देखकर आपको पता चलेगा। इस गांव के अंदर एक बहुत ही बड़ी रहस्यमय बात छुपी है जो आप इस मूवी को देखेंगे तो जानेंगे। मैं दोस्तों यहां पर इस मूवी की पूरी कहानी रिवील नहीं करना चाहता। आप इस कमाल की मूवी को गोल्ड माइन के टीवी चैनल पर जाकर देखिए। ये मूवी दोस्तों आपको वाकई पसंद ज़रूर आएगी।